For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusmovies. स्पीड पोस्ट करना है। बगल के काउंटर पर जाइए। ये स्पीड पोस्ट करना है। पुणे 25 रुपए। पोस्ट 40 रुपए। Excuse me, ये लिफाफा आपका है। ओह,
मेडिकल कॉलेज पूना, नीलिमा बख्शी। जी। मेडिकल कॉलेज पूना, समीर रोशन। जी जी हाँ, वैसे तो मेरे दोस्त लोग मुझे प्रिंस कहते हैं। आपका नाम नीलिमा बख्शी है? जी। आप भी मेडिकल इंस्टीट्यूट पूना में एडमिशन ले रही हैं? जी। अच्छा, आपका थैंक यू। कैसा अजीब इत्तेफाक था दादी माँ, पोस्ट ऑफिस में जो कुछ हमें करना था वो भी वही कर रहा था। क्या मतलब? दादी माँ, जिस कॉलेज में हमें फॉर्म भेजना था उसे भी उसी कॉलेज में फॉर्म भेजना था, हमें स्पीड पोस्ट करना था उसे भी स्पीड पोस्ट करना था। हम घबराए हुए थे, वो भी घबराया हुआ था। लगता है उसे भी घर पे पहले डांट पड़ी होगी जैसे हमें पड़ी थी। बेटी, जिंदगी अच्छे बुरे तजुर्बों का सिलसिला है, बुरे को तो भूल जाना चाहिए और अच्छे को सीने से लगा के रखना चाहिए। दादी माँ, गजब हो गया। क्या हुआ? उसके पैसे। कौन से पैसे? स्पीड पोस्ट के, वही एक्स्ट्रा पैसे जो हमको देने थे और उसने दे दिए। दादी माँ, इसे आप अच्छा तजुर्बा कहेंगी या बुरा? तुम्हारे लिए अच्छा और उसके लिए बुरा। उसके लिए बुरा, वो कैसे? तुम्हारे पैसे बच गए और उसने अपने खो दिए। कैसी बातें करती हो दादी माँ। जी जी, पता नहीं वो हमारे बारे में क्या सोचता होगा। कल भगवान से दुआ करना कि वो मुझे एक बार और मिल जाए। ठीक है, बल्कि कल पूजा करते समय भगवान के कान में डाल ही देना कि वो मुझसे फिर टकरा जाए। तो तू खुद ही क्यों नहीं कहता? तुम्हारा भगवान मुझे कहाँ सीरियस लेता है। बकवास मत कर, चलो डैडी को बुला, खाना ठंडा हो रहा है। आज हम आपको खाना खिलाएंगे। ज्यादा चमचागिरी करने की कोई जरूरत नहीं, मैं भगवान के कान में कह दूंगी कि हमें एक सुंदर सी बहू दे दे। नहीं नहीं, कह देना वही सुंदर सी चाहिए। ठीक है बाबा, चलो डैडी को बुलाओ। डैडी, खाना लग गया, तुम लोग शुरू करो, मैं आ रहा हूँ। बेशरम, पहले डैडी को तो बुला। डैडी, खाना ठंडा हो रहा है। अरे कहाँ ना, आ रहा हूँ, शुरू करो तुम। वो ऐसे नहीं मानेंगे माँ, मैं बताता हूँ। क्या हुआ, क्या हुआ? प्रिंस, ये क्या बदमाशी है? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि ये घंटी मत बजाया करो। सॉरी डैड। सॉरी? व्हाट डू यू मीन सॉरी? तुम्हें मालूम है कि हम फायर फाइटर्स के लिए इस घंटी के बजने का मतलब क्या होता है? वॉर, इमरजेंसी, मुसीबत की घड़ी। अरे ये तो हंस रहा है, ये थिंक्स इट्स अ जोक। टन 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 टन। अब छोड़िए भी, चलिए खाना खा लीजिए। हाँ, ये बस आपकी शय का नतीजा है, बिगाड़ रखा है इसे। अरे कमाल है, आप मुझे क्यों बीच में डाल रहे हैं? ये बाप बेटे का मामला है। चलो बैठो बैठो, खाना खाओ। थैंक यू डैड। गुड। यार नीलू, आज शाम को बेचारी सुमन का काम तमाम हो जाएगा। मतलब? अरे यार, शादी जो हो रही है ना उसकी, तो यू कहो ना डफर। अपने ग्रुप में तो अब हम दो ही रह गए, क्या पता आज कोई मिल जाए तो। हाँ, सो विश मी ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट, सेम टू यू। वैसे मैं तो हाइट की वजह से मार खाती हूँ, वरना मेरे घर के आगे तो लड़कों की लाइन लग जाती। देखना, आज शाम को मैं किसी ना किसी को तो जरूर पटा लूंगी, और अगर ना पटा पाई तो मैं तुझसे शादी कर लूंगी। थैंक यू। वेलकम। मेरे लिए नहीं लाए आइसक्रीम? आपके लिए भी ले आते हैं। क्यों साहब, अपनी बहन को नहीं खिलाएंगे आइसक्रीम? आपको भी खिला देते हैं। बेशरम, शरम नहीं आती? पापा को बोलूंगी। हाँ, अरे मगर मैंने किया क्या? नीलू, 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 क्या हुआ? अब मुझे याद आया कि किस चीज की कमी रह गई है। ये क्या कर रही है? एक मिनट बाबा, ऐसे खड़े रहो। अब तुम बहुत अच्छी लग रही हो, एकदम कयामत लग रही हो, कयामत। आज के सारे लोग घायल होने वाले हैं। छोटा पनीता। नीलू, मैं अनाउंस करवा देती हूँ कि आज सब लोग अपना अपना दिल संभाल के रखे। अनीता पागल हो गई है क्या? अरे नहीं नहीं, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, क्या आप लोग बता सकते हैं कि मैं आपको जब क्या है? चलिए ये हाय। हे 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 हे
सॉरी गैस ओ क्या मैं आपने मुझे क्या कर रहे हैं चलिए ना खींचती हूँ आप यहाँ कैसे सुमन मेरी दोस्त है आप यहाँ कैसे दूल्हा मेरा बहुत पुराना यार है सेकंड ईयर तक साथ में थे चलिए हमारा एक और रिश्ता बन गया रिश्ता हाँ एक रिश्ता ये है कि हम दोनों एक ही कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं और दूसरा आपकी सहेली और मेरा दोस्त दोनों पति पत्नी बन गए हैं आप रिश्ते बनाने के मामले में बड़े एक्सपर्ट हैं जी और मेरे जोड़े हुए रिश्ते कभी नहीं टूटते आप उस दिन तो ऐसे मूड में नहीं थे हाँ उस दिन मैं थोड़ा घबराया हुआ था क्यों आपको पहली बार देखा था ना ओ आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट यू शुड एक्सक्यूज मी मैं लेता हूँ नहीं 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 प्लीज इतने से काम का इतना बड़ा टिप टिप नहीं है वो स्पीड पोस्ट के उस दिन देना भूल गई थी ना वही एक्स्ट्रा पैसे तो कुछ दिन और भूल जाइए क्यों मेरा इंटरेस्ट बढ़ जाएगा ये बताइए कॉलेज से कोई इंटीमेशन आया नहीं हाँ आएगा तो एक साथ ही आएगा एक साथ क्यों कौन जो एक साथ भेजे थे ओ प्रिंस जहाँ कहीं भी हैं स्टेज पर आ जाएं प्रिंस जहाँ कहीं भी हैं स्टेज पर आ जाएं मेरे दोस्त मुझे बुला रहे हैं मैं अभी आया आप रुकिएगा प्रिंस जहाँ कहीं भी हो स्टेज पर आ जाए बकवास कर रहा है यार कहाँ है यार तू यहाँ म्यूजिकल गेम शुरू होने वाला है तेरा पता ही नहीं है हम कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं यार चल रहा है कहाँ देख रहा तू चल नीलू 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 तू कहाँ भागी जा रही है अरे यार 11 बज गए देर हो गई तो घर पे डांट पड़ेगी कुछ डांट नहीं पड़ेगी और मेरे लिए क्या तू थोड़ी सी डांट नहीं खा सकती अनीता यार ये बात नहीं है देख गड़बड़ हो जाएगी घर पे कुछ गड़बड़ बड़बड़ कुछ नहीं होता नहीं 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 मैं कुछ नहीं सुनाऊं ऐसे तू क्या समझेगा मुझे तू भी चल अनीता नहीं नहीं थोड़ी देर में हम यहाँ शुरू करने जा रहे हैं एक म्यूजिकल चेयर गेम इसमें जीतने वाले को मिलेगा एक सरप्राइज गिफ्ट थैंक यू वेरी मच नाउ गेट रेडी गेट सेट 1 2 3 म्यूजिक दिल को मैं तो कहूँ तुमने बचा लिया दिल को कहा करे कोई चुरा लिया दिल को मैं तो कहूँ तुमने बचा लिया दिल को आरज़ू है यही कि नसीबा खुले आप जैसा हमें फिर मिले करे कोई चुरा लिया दिल को मैं तो कहूँ तुमने बचा लिया दिल को कहोगे आंखें बदल के चल तो ना दोगे हो एक बात पूछूं सच सच कहोगे आंखें बदल के चल तो ना दोगे बस इसी खौफ से दिल हमारा जले आप जैसा हमें फिर मिले
चुरा लिया दिल को, मैं तो कहूँ तुमने बचा लिया दिल को। लापरवाह हो गई है और यह सब आपके लाड़ प्यार का नतीजा है। अम्मा, जब भी मैं कुछ बोलता हूं आप मेरा मुंह बंद कर देती हैं। जावेद, छोटी सी बात का पहाड़ क्यों बना रहे हो? ठीक है, बैठे रहिए रात भर इंतजार में। कुछ नहीं रे, शादी में देर सवेर तो होती है और फिर मंजूर भी तो साथ में है। मैं देखता हूं। इतनी देर कर दी तुम लोगों ने। अरे नसीम चाचा, आप अभी तक जाग रहे? सिर्फ नसीम ही नहीं, हम सब जग रहे हैं तुम्हारे लिए। चलो। तुम शादी अटेंड करने गई थी या सर हम अपनी नुमाइश करने गई थी? हम समझे नहीं पापा। क्या धमाल मचा रखा था तुमने वहाँ? अनजान लड़कों की बाहों में बाहें डालकर नाचना, चीखना, चिल्लाना, कोई शर्म हया नहीं? पापा, हमने कई बार मना किया मगर हमारे फ्रेंड्स हमें जबरदस्ती ले गए। क्या जरूरत थी शादी में आवारा लड़कों के साथ नाचने की? हमें ही डांटते रहते हैं। मंजूर भी तो डांस कर रहा था, उसे हम कुछ नहीं कहते। चुप करो, जबान चलाती है बेशर्म। मंजूर लड़का है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन तुम लड़की हो। बस भी कीजिए भाई साहब, ये क्या बात हुई? लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं होता। आप खामखा बात को तूल दे रहे हैं। बच्चों ने अपने फ्रेंड्स के साथ हंसी मजाक किया तो क्या गुनाह किया? तुम अपना ये मॉडर्निज्म अपने पास ही रखो नसीम। ये मेरी बेटी है, इस घर की इज्जत, बख्शी खानदान का नाम जुड़ा है इसके साथ। ये कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकती जिससे इस घर की तरफ कोई उंगली उठा सके, समझे? जी, समझ गया। अब आधी रात को ये माल लाके इकट्ठा कर रखा है, आइंदा नहीं करेगी और मैं समझा दूंगी उसे। आप क्या समझाएंगे अम्मा, आप सबने मिलकर तो बिगाड़ा है इसे। ये तो शुक्र है कि जब्बार भाई मौजूद नहीं है, वरना वो क्या करते आप अच्छी तरह जानती हैं। खबरदार, जो आगे एक लफ्ज और बोला तो। इसे समझा दीजिए अम्मा, आइंदा ऐसी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बुरी तो तकदीर होती है पाशा, जिनकी तकदीर अच्छी होती है वो बेटी बनकर इस दुनिया में नहीं आती। चल नीलू। दे गुड, अच्छा काम हुआ है, काफी मजबूत लगता है। लेकिन जावेद साहब, हम सप्लाई में इतना डिले अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं कम इन सर। प्लीज कम इन। फाइल सर। थैंक यू। फायर फाइटर सिपाहियों की तरह होते हैं, घंटी बजी नहीं कि आप आग में कूद गए, नंगे पैर क्या करेंगे। देखिए रोशनलाल जी, रेलवे स्ट्राइक की वजह से माल आ नहीं पाया, इसमें हमारी कोई गलती नहीं। जी हाँ, हमने अपने लेटर में इस बात का जिक्र भी किया था और एक कॉपी हेड ऑफिस भी भेजी थी। डीपी साहब, आप बहुत जल्दी एक्साइट हो जाते हैं। नहीं, वो बात नहीं है। जावेद साहब,
आपका चेक मंडे तक तैयार हो जाएगा। थैंक्स। गीता, 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 गीता। चिल्ला क्यों रहे हैं आप? मैं तो मंदिर की घंटी बजा रही थी। अरे भाई मालूम है मुझे, लेकिन प्रिंस कहाँ है? अपने कमरे में सो रहा होगा। नहीं वहां तो नहीं है। लेकिन हुआ क्या है? गीता, मेडिकल कॉलेज से प्रिंस का इंटरव्यू कॉल आया है। ये देखो। हे भगवान। उसे कहना कि पीर बाबा के दरगाह पे जरूर जाए। समीर रोशन। नीलिमा बख्शी। एक्सक्यूज मी, प्लीज टेक योर सीट। विश यू ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट मिस्टर शाह। थैंक यू। वेलकम। शरद कपूर। और जब मैंने आपको नहीं देखा तो घबरा गया। मैंने कहा अरे यार अगर नीलिमा ने इंटरव्यू मिस कर दिया तो क्या होगा। मैं भी जब अंदर आई और आपको नहीं देखा तो बहुत परेशान हुई। दिल में कहा कि अगर प्रिंस टाइम पर नहीं पहुंच सके तो क्या होगा। मगर जब अंदर आई तो आप सामने बैठे हुए थे। वेरी गुड। अब आपसे एक तीसरा रिश्ता भी हो गया। ये कौन सा रिश्ता? कमाल करते हैं आप। आप मेरे लिए परेशान हो, मैं आपके लिए परेशान हूँ। फिक्र करें, सोचे, इससे बड़ा रिश्ता क्या हो सकता है? एक रिश्ता और भी हो सकता है। रियली? जल्दी बताइए। रिश्ता लगाने के मामले में देर नहीं करनी चाहिए। चलो बताओ। इनफॉर्मल होने का, आप मुझे आप कहना छोड़ दीजिए। बिल्कुल छोड़ दूंगा, बल्कि समझ लीजिए छोड़ दिया। लेकिन एक शर्त है। क्या? तुम मेरे साथ कॉफी पियोगी? कॉफी तो मैं नहीं पी सकती। तो फिर कोल्ड ड्रिंक? सॉरी मैं। कोई बात नहीं, दूध पी लेना। वो बात नहीं है प्रिंस। फिर क्या बात है? मैं अपने कजिन के साथ आई हूँ, वो हम मामा जी के यहाँ ठहरे हैं। जा कब रही हो? सवेरे। सवेरे। अच्छा मैं अपने दोस्त इमरान के घर पे ठहरा हूँ, शाम को 7 बजे जरूर फोन कर लेना। नंबर है 429101। ओए ओए इमरान, बेल बज रही है। खोल खोल खोल। अरे हाँ यार, जल्दी यार। रो यार। हट 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 हट। Come on. रोज तो खुलता हूं यार, पता नहीं क्या हो गया। खुल जा अभी। हट हट। रिलैक्स प्रिंस, फिर आ जाएगा फोन। यू लव ऑटो। हेलो नीलिमा। अरे क्या बताओ यार, मेरा दोस्त पागल है, उसे ताला ही नहीं खुल रहा था, बहुत कोशिश की लेकिन। हेलो। अरे सॉरी। हाँ इमरान। हाँ माय फोन। हेलो, हाय। हाँ तुम घर पर ही हो ना? थोड़ी देर में तुम्हें फोन करता हूँ। ओके बाय। यार तुमने उसे नंबर नहीं लिया था? नहीं यार, इतना टाइम कहाँ मिला मुझे। सब तुम्हारे ताले की वजह से हुआ है। नॉनसेंस, कल चला जाता हूँ मैं। तुम तो यहाँ 2-4 दिन रुकने वाले थे। नहीं नहीं नहीं, कल सुबह चला जाता हूँ। आपको दरगाह पर भी जाना है? दरगाह पे कल सुबह जाएंगे ना। Thank you.
ठीक है। तू बॉम्बे कब आ रहा है? सैटरडे को। पक्का? पक्का पक्का। डैड मॉम को मेरा सलाम कहना। बस जा रही थी, बस जा रही। सी यू, बाय। ऊपर है। अरे दिखाई नहीं देता क्या? क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं, वो बैग गिर गया था। ओह आई एम सॉरी। हेलो नीलिमा, मुझे मालूम है तुम नीलिमा हो। अरे हाँ, तुमने पूना में इमरान के घर फोन किया था ना? मगर वो इडियट है ना इमरान, उससे ताला ही नहीं खुला। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? प्रिंस, फोन पे एक वक्त में एक ही आदमी बोल सकता है। हाँ सॉरी सॉरी, चलो बोलो और देर तक बोलती रहो। हमने आपको पीर बाबा के दरगाह में देखा था। तो मिली क्यों नहीं? कैसे मिलते, हमारी आंटी जो हमारे साथ थी। और फिर आप भी तो पीर बाबा में इतने खोए हुए थे कि। हम भी पीर बाबा को बहुत मानते हैं। डैडी कहते हैं कि आज हम जो कुछ भी है उन्हीं की मेहरबानी से हैं। अच्छा, हमें फोन करने को क्यों कहा था? अरे ये भी कोई पूछने की बात है? मिलने के लिए। मगर आप हमसे मिलना क्यों चाहते हैं? कोई खास बात है क्या? मैं मिलना चाहूँ या ना चाहूँ, लेकिन ऊपर वाला जरूर चाहता है कि हम मिले, वरना बॉम्बे जैसे शहर में, सॉरी मुंबई जैसे शहर में, जहाँ लोग ढूंढने पर भी नहीं मिलते, हम दोनों बगैर पता ठिकाना जाने कितनी बार मिल चुके। नहीं, हम नहीं मिल सकते। प्लीज। नहीं। प्लीज। नो। प्लीज। प्लीज। ओके। थैंक यू प्लीज। कल शाम 4 बजे इंशाल्लाह लवनेस में। घड़ी देखने से कोई फायदा नहीं, 4 बजे का वादा था, 4 बजे हाजिर हूँ। तुमको पता है हिंदुस्तान में सिर्फ 2 आदमी हैं जो इतने पंक्चुअल है कि वक्त उनके साथ साथ चलता है। एक थे बापू यानी अपनी गांधी जी, और मैं। बापू गुजर गए, रह गया सिर्फ मैं, और मैं भी क्या। अरे आप मुस्कुराए भी नहीं, कमाल है। पहली डेट है ना, और पहली डेट में हर एक घबराया हुआ होता है। सच बताऊं मैं भी अंदर से काफी घबराया हुआ हूं, लेकिन जाहिर तो नहीं कर रहा हूं ना। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? कम से कम हुआ तो करो। ऐसा तो नहीं लगना चाहिए कि मैं किसी मूर्ति के सामने आरती गा रहा हूं। हाँ अच्छा, एक काम करते हैं, तुम अपने बारे में बताओ, मैं अपने बारे में। अच्छा नहीं नहीं, बोरिंग। अच्छा मैं एक काम करता हूं, मैं आपको एक ड्रीम सुनाता हूं जो मैं आने से पहले देख रहा था। जब से तुम्हें मैंने देखा सनम, जब से तुम्हें मैंने देखा सनम, मेरी आंखों में तुम, मेरी नींदों में तुम, मेरे ख्वाबों में तुम हो।
जब से तुम्हें मैंने देखा सनम। जब से तुम्हें मैंने देखा सनम, मेरी आंखों में तुम, मेरी नींदों में तुम, मेरे ख्वाबों में तुम हो। डीपी साहब कहिए क्या हुआ? अरे नसीम, एक खुशखबरी है। जब बार भाई 4 तारीख को जेल से रिहा हो रहे हैं, और जावेद भाई से कहना कि कल शाम तक वो यहाँ पहुँच जाए, क्योंकि सारे लोगों को खबर देनी और काफी इंतजाम करने। मैं भी दोपहर तक वहाँ पहुँच जाऊँ। आप कैसी बात कर रही हैं अम्मा? भाई साहब 12 साल के बाद यहाँ आ रहे हैं, वो भी तो आपकी औलाद है, आखिर ये घर उनका भी तो है, उनकी वजह से हम इस मकाम तक पहुँचे हैं, वो यहाँ नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? हम उसकी सूरत भी देखना नहीं चाहते। अगर वो इस घर में आया तो हम भोपाल चले जाएंगे। ये तो कोई इंसाफ नहीं हुआ कि जिसे कानून ने माफ कर दिया हो, आप लोग माफ करने के लिए तैयार नहीं। कानून और इंसाफ की बात मत कीजिए भाईजान, ये मामला जज्बात का है। आप मां के नजरे से भी तो सोचिए। भाई साहब यहां आएंगे तो जाहिर है अम्मा को पुरानी बातें याद आएंगी, इसलिए बेहतर यही है कि अम्मा को भोपाल भेज दिया जाए। नसीम, तुम तो हमेशा से भाईजान के खिलाफ थे। उनके साथ होने की भी कोई खास वजह नहीं है मेरे पास भाईजान। शर्म आती है ये बताते हुए कि हम जब्बार बख्शी के भाई हैं। नसीम, तुम हद से बाहर जा रहे हो। हद से बाहर वहां जाते हैं जहां कोई हद मुकर्रर हो। यहां तो इस घर में किसी चीज की हद ही नहीं है। पहले बड़े भाई साहब मनमानी करते थे, अब आप मनमानी करते हैं। चुप हो जाओ नसीम, कुछ भी अनाप शनाप बोल देते हो। अम्मा, अब मैं चुप नहीं रहूंगा। देखा अम्मा, अगर आप इस तरह जिद करती रहेंगी तो यह घर टूटकर बिखर जाएगा। नहीं, ये हम कभी नहीं होने देंगे। जो होगा देखा जाएगा, लेकिन हमारी जिंदगी में
ये घर नहीं टूट सकता। दादी माँ, ये सुनो, इट्स माय पर्सनल, मैं तुम्हारी चीजें कभी नहीं छूता, तुम मेरी चीजें क्यों छूती हो? मेरे पास, मैं सबको बता दूंगी, मंजुर लव लेटर लिख रहा था, देखो बचना चाहते तो मुझे पढ़ने दो, प्रॉमिस करो तुम किसी को बताओगी नहीं? हाँ प्रॉमिस। ठीक है। तुमको क्या मालूम शबनम, शबनम गुजरती कैसी है मेरी रातें, तेरी तस्वीर आंखों में बसाए भटकता रहता हूँ, करता हूँ बस तुम्हारी बातें। क्या बात है मंजूर, क्या बात है, वाह! तुम शमा हो शबनम और मंजूर परवाना। तुमसे लिपट कर जलने को तैयार है दीवाना ये। मंजूर, मंजूर पढ़ने दो ना पागल। प्यार में पागलपन ना हो तो उसका मजा ही क्या है। घड़ी देखने से कोई फायदा नहीं, 4 बजे का वादा था, 4 बजे हाजिर। तुमको मालूम है दुनिया में सिर्फ 3 आदमी इतने पंक्चुअल हैं कि वक्त उनके साथ साथ चलता है। 3 कैसे? पापू यारे गांधी जी, हाँ। तुम और मैं, और मैं भी क्या। अच्छा बोलो क्यों बुलाया था? मुझे मेडिकल कॉलेज से लेटर मिल गया है। हमारे पास भी आ गया। टेरिफिक! अरे यार जरा सोचो क्या लाइफ होगी, घूमेंगे फिरेंगे खाएंगे ऐश करेंगे। ना ही फोन करने का प्रॉब्लम, ना चुप कर मिलने का चक्कर। अरे सुबह साथ में, दोपहर साथ में, शाम को भी साथ में। ओनली लव 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 लव। और कॉलेज, डॉक्टर नहीं बनना क्या? डॉक्टरी को मारो गोली, पहले से ही लाखों है, मैं नहीं बनूं तो क्या हुआ? हम बीमार पड़ गए तो हमारा इलाज कौन करेगा? क्यों, तुम भी तो डॉक्टर बनोगी? हम डॉक्टर नहीं बनेंगे। What? हमें रिजेक्ट कर दिया है। ला ला ला, ला 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 ला। हमारा परसेंटेज कम था ना, हमें मालूम था यही होगा। ठीक है, मैं भी सीट रिजेक्ट कर देता हूँ। नहीं प्रिंस, आपकी कामयाबी के, तरक्की के, बड़ा आदमी बनने के जितने ख्वाब हमने देखे उतने आपने भी नहीं देखे होंगे। हमारे ख्वाब अगर पूरे नहीं हुए तो आपको अच्छा लगेगा क्या? और मैं तुमसे दूर रहूं, तुम्हें कैसा लगेगा? आप हमसे दूर हो ही नहीं सकते। जावेद जी, बहुत ही शानदार मकान बनाया तुमने। अच्छा लगा भाई साहब? बहुत अच्छा। आइए। भाई साहब। हाँ। अपनी नीलू। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। वालेकुम अस्सलाम। इतनी बड़ी हो गई है। जीते रहो। आइए भाई साहब। चलो जावेद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए आप बिजनेस बढ़ा दीजिए, लेकिन अगर उसको देखने वाला बात नहीं हो तो। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। भाई लगता है तुम अपने भाई को भूल गए, लेने नहीं आए। नहीं नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं थी, वो घर पे भी तो किसी को होना था ना। भाई जान आदाब। आदाब भाई, कैसे हो? आदाब, दुआएं। आदाब। खुशामदीद जबार भाई। अब्बास भाई, सब खैरियत तो है? आपकी दुआ है जनाब। माशाल्लाह। नसीम। हाँ भाई साहब। भाई एक बात मेरी समझ में आज तक नहीं आई, खुशी के मौके पर लोग रोने क्यों लग जाते हैं? वो अम्मा दिखाई नहीं दे रही। जी वो ऊपर हैं। भाई साहब इधर से। मंजूर
भाईजान हाँ? आप भी ऊपर जाइए, वो अम्मा वहां अकेली। हाँ हाँ हाँ। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। आप नीचे क्यों नहीं आई अम्मा? 12 साल हो गए, आपने एक बार भी मुझे याद नहीं किया। जेल से मैंने आपके लिए कई खत डाले, आपने 2 हर्फ भी नहीं लिखे। एक बार भी मुझे जेल में मिलने नहीं आई अम्मा। लगता है आप अपने जब्बार को भूल गई, मगर मैं आपको एक पल भी नहीं भूला हूं अम्मा। जेल के अंधेरी कोठरी में सिर्फ आपकी याद ने मुझे जिंदा रखा अम्मा। तो आप अभी तक हमसे नाराज हैं अम्मा? इतने सालों बाद भी आप मुझे गुनहगार समझती हैं? 12 साल बाद भी आपकी समझ में नहीं आई कि जो रास्ता मैंने इख्तियार किया वो सही था, जायज था? हमारे खानदान की इज्जत बचाने का यही एक रास्ता था अम्मा। मैं 12 साल की जेल काट कर आया हूं अम्मा, मगर मुझे कोई अफसोस नहीं है। हमारा सर अभी भी फक्र से ऊंचा है। मैं चिल्ला चिल्ला कर लोगों से कह सकता हूं कि जो रास्ता मैंने इख्तियार किया वो सही था अम्मा। भाई साहब बस भी कीजिए, भाई साहब नीचे मेहमान आपका इंतजार कर रहे हैं। अम्मा जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता। 12 सालों के बाद भाई साहब घर वापस लौटे हैं, मेहरबानी करके आज उन्हें कुछ ना कहें, ये मेरी आपसे गुजारिश है। यही तो मैं कह रहा हूँ। अभी ने काफी दिनों बाद कीमा कबाब बनाया है, अब देखिए क्या क्या खाने को मिलता है। देखो ना, देता नहीं। भाई साहब मोटा हो रहा है, पहले तू मोटी हो रही है। ये क्या हो रहा है? भाई साहब जल्दी आइए, खाना ठंडा हो रहा है। आपके लिए कीमा कबाब भी बनाया है। बंद कीजिए ये बेहूदा बातें। क्या हुआ भाई साहब? 12 साल में आप लोग सब कुछ भूल गए। भूल गए हमारे तौर तरीके, हमारे रीति रिवाज, हमारा रहन सहन क्या था। मगर हुआ क्या भाई साहब? अरे बेशरम, गैरों के तरीके अपनाते हो और पूछते हो क्या हुआ? ये मेज कुर्सी पर बैठकर खाने का सिलसिला किसने शुरू किया? लेकिन भाई साहब आजकल तो सभी घरों में डाइनिंग टेबल होता है। ये सबका नहीं, हमारा घर है, जब्बार बख्शी का घर है ये। चलिए उठिए सब और दस्तखान लगाइए। खाना आसमान पर नहीं जमीन पर बैठकर खाया जाता है। नीलू दुपट्टा सर पे रख लो। ये क्या हो रहा है? ढंग से बैठो बैठे। अबूजा नीचे बैठने में तकलीफ होती है। अगर यही आलम रहा तो एक दिन नमाज पढ़ना भी भूल जाओगे। यही हमारी तहजीब है। कोशिश करो ढंग से बैठने की। वो सब तो ठीक है भाई साहब, मगर वक्त के साथ बदलना भी जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो अभी तक तो सड़कों पे बैलगाड़ी और पानी में नाव ही होते। ये कार शिप जहाज का नामो निशान तक नहीं होता। तरक्की करने और तरीके बदलने में फर्क होता नसीम। बहस बंद कीजिए और बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाह। जरीना जी, मैं सजा काट के आया हूं जरीना, मगर मैंने अपने आप को गुनहगार कभी नहीं माना। अलबत्ता तुम्हारा गुनहगार हूं मैं मंजूर, और तुम्हें बेसहारा छोड़ दिया मैंने। अब तुम जो चाहो मुझे सजा दे सकती हो। खुदा के लिए सजा की बात मत कीजिए, मेरा दिल बैठ जाता है। जो हो चुका उसे दोहराने से सिर्फ जख्म उभरेंगे और कुछ भी हासिल नहीं होगा। हाँ, मगर कल को अगर मंजूर ने मुझसे सफाई मांगी तो मैं क्या जवाब दूंगा? मंजूर काफी समझदार लड़का है, उसे इस असलियत का पता भी नहीं।
जावेद भाई साहब ने मना किया था कि उस हादसे के बारे में बच्चों को कुछ नहीं मालूम होना चाहिए, इसीलिए मैं उसे आपके पास वहां लेकर भी नहीं आई। मंजूर, इतना छोटा सा देखा था मैंने उसे, अब कितना लंबा हो गया है। और नीलिमा बिल्कुल सभी न लगती, वही नाक नक्श, वही खिला हुआ चेहरा। सलाम अलैकुम चाचा जान। वालेकुम अस्सलाम। इतनी देर से उठती हूँ, फजल की नमाज कब पढ़ोगी? जी अभी अभी पढ़ती हूँ। आजकल के बच्चे। मेरे को दे दे, तू उधर फाड़ डालूगा एक बुक को। मेरे को दे दे, मुझे छोड़ दादी माँ। मंजूर, देख मेरे को नहीं दे। ये क्या बदतमीजी है, जवान लड़की के साथ इस तरह हाथापाई करता है नालायक। नीलू तुम अपने कमरे में जाओ जल्दी। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। ये क्या बेहुदा कपड़े पहन रखे हैं तुमने? आज स्पोर्ट्स डे है चाचा जान। ऐसे कपड़े पहनकर तुम कॉलेज जाती हो? स्पोर्ट्स के लिए सभी यही कपड़े पहनते हैं। जाओ कपड़े बदल के आओ। पर चलो जाओ। चाचा जान आप, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है नीलू? इतनी रात गए तुम सोए नहीं? हम सो ही तो रहे थे चाचा जान। अच्छा अच्छा चलो सो जाओ, शाबाश। आओ आओ बैठो अनीता, बहुत पढ़ाई हो रही है आजकल। हाँ जी। अरे अनीता तू कब आई? अभी। लो पकौड़े भी आ गए, नीलिमा ने अपने हाथों से तले हैं, खाओ। नहीं हम अपने कमरे में जाकर खाएंगे। अरे भाई हम भी तो खाएंगे आप लोगों के साथ बैठकर। रखो रखो, बैठना पड़ेगा, चलो खाओ। हाँ जी। बहुत लजीज है। प्रोफेसर भटनागर ने कहा है कि लव नेस्ट पर ऐसे आज ही चाहिए। लव नेस्ट? लाहौल मुलाकात। ये लव नेस्ट क्या है? जी वो एक होटल। होमर, होमर। हाँ हाँ होमर की पोएम है, इंग्लिश लिटरेचर, वो एनालिसिस करना था ना। अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने तो सुना था कि हिंदुस्तान में सिर्फ 3 आदमी पंक्चुअल है, आज देर कैसे होगी? सॉरी। मेरे जाने का दुख हो रहा है। देखो अब भी वक्त है, एक बार रुकने को बोलो, हमेशा के लिए रुक जाऊंगा। पता नहीं प्रिंस, कुछ दिनों से अजीब सा डर सा लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा हो, जैसे कोई देख रहा हो हमें। और वो कौन? पता नहीं, मेरा खौफ। तुम पागल हो? मैं हिंदुस्तान से बाहर थोड़ी जा रहा हूं, मैं फोन करूंगा, खत लिखूंगा। खत? हाँ? खत हमें अनीता के पते पर ही लिखना। ठीक है, लेकिन गिफ्ट लेकर खुद आऊंगा। गिफ्ट? अरे 2 तारीख को तुम्हारा बर्थडे जो है। लेकिन हमारे घर पे बर्थडे नहीं मनाते। कोई बात नहीं, हम मनाएंगे, बस तुम मैं और एक छोटा सा केक। अंधेरे में झिलमिलाती हुई मोमबत्ती का उजाला, तुम्हारे चेहरे पर रिफ्लेक्शन, दुनिया भी देखेगी तो घूमना भूल जाएगी। आपके लिए। मैं जा रहा हूं, लेकिन रोना मत। रोऊंगी। अरे 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 जरूर आऊंगा नीलिमा। मैंने क्या बोला था तुम्हें लवनेस में? तुम्हारा बर्थडे जो है सिर्फ तुम मैं और एक छोटा सा प्रिंस, जरूर पहुंच जाऊंगा पक्का।
प्रिंस, ए प्रिंस, आई लव यू प्रिंस, आई लव यू नीलिमा। क्या हो गया तुझे यार, क्या बार बार नीलू नीलू बड़बड़ा रहा है? What is wrong with you, man? Sorry, यार, मुझे पता नहीं, I thought I was with her. अगर तो तू बिल्कुल हाईफाई किस्म का लेटर लिखना चाहता है, हाँ, तो ऐसे शुरू कर। हाय, मैं हेड ओवर हील्स तेरे लव में ना जाने क्या क्या कर जाता। क्या बकवास कर रहा है यार, ढंग की बात करो ना। घबरा मत यार, अभी मेरे पास और आइडियाज हैं। ये देख, मेरे सांसों की गर्मी, अगर तेरा प्यार मेरे गले में मफलर बनकर ना लिपटा तो जानती है मैं किन किन बीमारियों से दम तोड़ सकता हूं। सर्दी खांसी ना मलेरिया हुआ, मुझको तो यार लवेरिया हुआ। मैं किसी फिल्मी गाने की तुकबंदी नहीं कर रहा हूं। अच्छा तो ये देख, चल लिख, मेरी आंखों की रोशनी, मेरी आंखों की रोशनी, तुम्हारे बिना मेरी हालत बिल्कुल उस अंधे की तरह है जिसके पास लकड़ी भी नहीं है और रास्ता भी पार करना है। शट अप राहुल, मैं किसी अंधे बहरे की कहानी नहीं लिख रहा हूं। तू बस चला जा यहां से, गेट लॉस्ट, और मुझे सोचने दो। अभी अब तक मैं तुम्हें 100 खत लिख चुका हूँ, जिनमें से 99 खत मैंने मन ही मन में लिखे और फाड़ भी डाले। लगता था अपने आप को दोहरा रहा हूँ, खत काफी बोरिंग थे। दो लफ्जों में बात खत्म करता हूँ, आई लव यू एंड आई मिस यू। इस खत का जवाब खत पढ़ने से पहले ही दे देना, बेचैन हूँ। डियर प्रिंस, हम पहली बार इस तरह से किसी को खत लिख रहे हैं, काफी नर्वस हैं। हम आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, आपके जाने के बाद हम बहुत रोए पर अब हम ठीक हो गए हैं। आपकी बहुत याद आती है, आपकी नीलू। डियर नीलू, इतना अच्छा कैसे लिखती हो तुम? कल टेरेस पे चांद देखा तो तुम्हारी बहुत याद आई। कल ना तुम भी रात को 10 बजे टेरेस पे चांद देखना, इस तरह से हम दोनों एक ही दफा चांद को देखेंगे और एक दूसरे को याद करेंगे, ओके? कल हम बहुत परेशान हुए, दादी माँ को लेकर टेरेस पर गए थे चांद देखने, लेकिन चारों तरफ गहरे बादल छाए हुए थे, हम भी वहाँ से हिले ही नहीं। दादी माँ बहुत नाराज हो गई, कहने लगी तुम तो ऐसे तड़प रही हो जैसे ईद का चांद देखना हो। दादी माँ क्या जाने, कल का चांद हमारे लिए तो ईद के चांद से भी बढ़कर था। दादी माँ ने हमसे पूछा भी कि नीलू बेटे, कहीं तुम्हें किसी से प्यार तो नहीं हो गया? हमने मन ही मन में कहा हाँ दादी माँ। सच कहना कोई बुरी बात नहीं, इस बार खुल के बोलना, हाँ दादी माँ हम प्रिंस से बहुत प्यार करते हैं, प्रिंस के बिना हम जी नहीं सकते। तब तक तो मैं आ ही जाऊंगा, बाकी बात मैं खुद कर लूंगा। हा? हाँ, हमारे चाचा जान आए हैं ना, वो अक्सर टेलीफोन के पास ही बैठे रहते हैं, आप उनके बारे में कुछ नहीं जानते। चाचा जान को मारो गोली, मिलने की कोई तरकीब सोचो वरना नाराज हो जाऊंगा मैं। हम नाराज हो चुके हैं इसलिए कि आपने हमारे चाचा जान को गाली दी। सॉरी 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 सॉरी, बताओ क्या कहना चाहती हो? अब हम आपको कुछ नहीं बताएंगे, आपकी यही सजा है। अच्छा सुनो, मैं संडे को फोन करूंगा, तुम फोन के पास ही रहना। नहीं, हम ही फोन कर देंगे। जोर से बोलो, सुनाई नहीं देता। आई लव यू प्रिंस। क्या कहा, जोर से बोलो। और जोर से नहीं बोल सकती। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? हम पब्लिक बूथ से फोन कर रहे थे, सबके सामने कैसे चिल्लाते, लोग हमारे बारे में क्या सोचते? यही कि दो प्रेमी अपने प्यार को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। कल रात हम बिल्कुल नहीं सो पाए। क्यों? पता नहीं, हमें लग रहा था जैसे आप सीढ़ी लगाकर खिड़की से हमारे बेडरूम में आ गए। हम आपके दिलो दिमाग पे छा गए हैं मैडम। इतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है तो क्या है? अपने प्यार पे विश्वास। आई लव यू प्रिंस। आई लव यू टू। अब हम और इंतजार नहीं कर सकते, जल्दी चले आइए। इंतजार की घड़ियां खत्म। कल हमारी जिंदगी का एक अहम दिन है, तुम माउंट मेरी चर्च के बाहर मेरा इंतजार करना। नीलू, चाहे आंधी आए, तूफान आए, जमीन आसमान एक हो जाए, मैं कल ठीक 4:30 बजे तुम्हें वहां मिलूंगा। सावन बरसे तरसे दिल,
क्यों ना निकले घर से दिल, बरखा में भी दिल प्यासा है, ये प्यार नहीं तो क्या है। देखो कैसा बेकरार है भरे बाजार में, यार एक यार के इंतजार में। सावन बरसे तरसे दिल, क्यों ना निकले घर से दिल, बरखा में भी दिल प्यासा है, ये प्यार नहीं तो क्या है। देखो कैसा बेकरार है भरे बाजार में, यार एक यार के इंतजार में। चलो चर्च में चलते हैं। डियर जीसस, तुमसे ज्यादा प्यार को कौन समझ सकता है? तुमने इस धरती पर प्यार, दोस्ती, मोहब्बत और अमन के लिए खुद को कुर्बान कर दिया था। हमारी मदद करना जीसस, हमारे प्यार को तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। दुनिया को बनाने वाले जगह तेरे लाखों घरों में से एक है, यहां भी तू ही है मेरे मालिक। मुझे प्रिंस से कभी जुदा मत करना। आमीन। क्या मांगा तुमने? आपने क्या मांगा? पहले तुम बताओ। पहले आप बताओ। मैंने तुम्हें मांगा। हमने भी आपको मांगा। क्या कर दी ना गड़बड़? लेकिन क्या
क्योंकि गॉड से मैंने तुम्हें मांगा तो तुम मेरी हुई ना, अब मुझे छीनकर तुम्हें कैसे ले सकता है? समझ आ गई बात? लेकिन पहले तो हमने आपको मांगा था। वो कैसे? पहले तो मैं बैठा था। बैठे जरूर होंगे लेकिन मांगा हमने पहले था। चलो झगड़ा खत्म, तुम मेरी मैं तुम्हारा, ओके बस। वंस मोर हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। ओ गॉड ब्लेस यू माय चिल्ड्रन। थैंक यू फादर। अब तुम जाओ प्रिंस, किसी ने देख लिया तो क्या होगा, एक दिन तो मुझे आना ही है। क्या है ना कि अभी देख लिया तो आगे का इंट्रोडक्शन आसान हो जाएगा। जी कोई लड़का नहीं था चाचा जान। अगर कोई नहीं था तो तुम किसके साथ बात कर रही थी नीचे? हम तो ऑटो में आए थे अनीता के साथ, उसी ने हमें यहाँ छोड़ा। झूठ बोल रही हो तुम। अगर अनीता तुम्हें यहाँ छोड़ने आई थी तो हमेशा की तरह वो ऊपर क्यों नहीं आई? उसे देर हो रही थी, डिनर पे जाना था उसे, इसीलिए नहीं आई। अनीता, अभी पता चल जाएगा, जरा अनीता को फोन लगा। हेलो। हेलो अनीता, तुमने नीलू को यहाँ छोड़ा लेकिन अंदर नहीं आई। मुझे डीपी अंकल को कुछ पेपर देने थे। क्या, मैं आई थी छोड़ने? नहीं नहीं नसीम अंकल, मैं नहीं आई थी छोड़ने। अरे तो क्या हुआ, यहाँ कपड़े नहीं बदल सकती थी तुम? अच्छा अच्छा, नहीं नहीं तुम नीलू से बात नहीं कर सकती, वो जरा इस वक्त जब्बार भाई साहब के साथ बात कर रही है। हाँ ओके। हाँ भाई साहब, वो तो अनीता ही थी। Hi Dad. रुक जाओ, बेशरम, बेगैरत, नालायक। तुम्हें इस दिन के लिए पाल पोस कर बड़ा किया था कि जब जवान हो जाओ तो अपने माँ बाप किस तरह दुख पहुंचाओ। लेकिन मैंने क्या किया डैड? अब भी बताता हूँ, हिलो मत। क्या हुआ? Yeah! Oh, no! बस, 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 अब अंदर आओ। Thank you. क्यों बे, हम हफ्ते भर से तेरी राह देखते रहते हैं और तू हमसे पहले अपने दोस्तों से मिलने चला जाता है। सॉरी। अच्छा जल्दी से कपड़े बदल ले, मैं तेरे लिए पकोड़े और चाय लेकर आई। पकोड़े और चाय? नीलू, जब से भाई साहब घर आए हैं हमारे घर के तौर तरीकों में काफी तब्दीली आई है, ये तुमने भी देखा है। उनके मुंह से निकला हुआ लफ्ज हुक्म नहीं बल्कि एक फैसला है जो वो अक्सर सुनाते हैं। वो फैसला सही हो या गलत, लेकिन इस घर में किसी की हिम्मत नहीं कि उन्हें चैलेंज करे। इसलिए अच्छा यही है कि तुम अपनी चालाकियों से बाज आ जाओ वरना पकड़ी जाओगी। नसीम चाचा, वो नसीम चाचा जानते हैं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। नीलू, कौन था वो लड़का जिसने आज तुम्हें घर छोड़ा? कौन था वो? नीलू, तुम हमारी बहन सबीना के बारे में जानती हो? हाँ चाचा। नहीं, तुम कुछ नहीं जानती, जो कुछ तुम्हें बताया गया वो सब झूठ था। हमारी छोटी बहन सबीना दिखने में बिल्कुल तुम जैसी थी, इकलौती बेटी होने की वजह से बड़े नाजों से पली। हम सब भाई सबीना को बहुत प्यार करते थे। एक दिन हमारे किसी रिश्तेदार ने जब्बार भाई को बताया कि सबीना का किसी इकबाल नाम के लड़के से मेलजोल है। ये खबर सुनते ही जब्बार भाई बेकाबू हो गए, क्योंकि हमारे खानदान में शादी से पहले लड़की का किसी लड़के से मिलना गुनाह माना जाता था। हालांकि इकबाल के वालिद साहब ये रिश्ता पक्का करने हमारे घर आए, लेकिन जब्बार भाई की नजर में रिश्ता मुमकिन ही नहीं था क्योंकि वो लोग छोटे तबके से ताल्लुक रखते थे।
उन्होंने इकबाल और उसके वालिद को सबके सामने जलील किया और घर से बाहर निकाल दिया। सबीना की पढ़ाई रोक दी गई और उसका घर से निकलना बंद हो गया। लेकिन सबीना चोरी छिपे इकबाल से मिलती रही। एक दिन उन्होंने कोर्ट में शादी की और शहर छोड़कर भाग गए। सारे भोपाल में खबर फैल गई, घर में कोहराम मच गया। जब्बार भाई पागलों की तरह दोनों की तलाश में लग गए और जब उन्हें खबर मिली, सब ठीक हो जाएगा, ऐसी थोड़ी ना हम हमेशा छिपते रहेंगे, देखना वो एक दिन जरूर हमारे रिश्ते को कबूल कर लेंगे और उसके बाद हम। नहीं, जिस लड़की ने ऐसी जलील हरकत की उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं। नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, हमने शादी की है, बाकायदा शादी की है हमने। ये शादी नहीं, गुनाह है, गुनाह, एक ऐसा गुनाह जिसकी सजा सिर्फ मौत है। हमारी बहन सबीना ने उसी तलवार से अपनी जान ले ली। बारह साल से मैं इस बात पर सोचता रहा हूं कि गलती किसकी थी, सबीना की या भाई साहब की, लेकिन आज तक मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिला। और बदकिस्मती से आज दोबारा वही सवाल मेरे सामने खड़ा हो गया। नीलू, मैं तुम पर कोई फैसला नहीं सुनाना चाहता, मगर मेरा जमीर मुझे मजबूर कर रहा है कि मैं तुम्हें आगाह करूं। नीलू, मैं जानता हूं कि तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, समझदार हो, मौजूदा हालात को देखते हुए तुम जो भी कदम उठाओगी वो सही होगा। क्या बात है, ये लोग टेंस यार। यार घर वाले प्रेशर डाल रहे हैं। किस बात के लिए? कह रहे हैं शादी करो, हमने लड़की देखी है। क्यों, तुम्हें लड़की पसंद नहीं? हम लड़की को जानते नहीं, पहचानते नहीं, सिर्फ फोटोग्राफ देखकर कैसे हाँ कर सकते हैं? बेवकूफ, शक्ल सूरत का अंदाजा तो लग ही सकता है ना। तस्वीर है? हाँ है। देखा? अरे वाह, डैम गुड यार। ये तस्वीर तुम्हारे पास कैसे आई? मेरा मतलब, इस लड़की से तुम्हारी शादी होने वाली है? इट्स इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता यार। हाउ कैन इट बी? क्यों, तू जानता है इस लड़की को? हाँ, नहीं मेरा मतलब, नहीं तुम ठीक कह रहे हो यार, सिर्फ फोटोग्राफ देखकर इट्स इम्पॉसिबल, हाउ कैन वन डिसाइड, ऐसे कैसे अचानक शादी हो सकती है? तू ना बोल यार, से नो, डोंट हेजिटेट, मैं अभी आया। ए प्रिंस, फोटोग्राफ दे जाए यार। क्या हुआ अम्मी? अनीता का फोन है। इस वक्त? कह रही है कुछ जरूरी काम है। हेलो। हाँ नीलू, क्या हुआ, तू ठीक तो है? मैं तो ठीक हूँ, मगर तुम्हारा वो प्रिंस बहुत परेशान है। क्या हुआ? लगता है कोई बहुत ही खास बात है, कह रहा था कि मिलना बहुत जरूरी है। अनीता वो? अच्छा अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। तू एक काम कर, तू उसे अभी इसी वक्त फोन कर ले। हाँ हाँ अभी, वो वेट कर रहा होगा। Come on! No, no, let me concentrate. नीलिमा बेडरूम से उठ रही है, नीलिमा सीढ़ियों से उतर रही है, नीलिमा फोन तक पहुंच गई, नीलिमा डायल कर रही है 6291013। नीलिमा, क्या बात है प्रिंस, अनीता कह रही थी कि तुम? हाँ
तुमसे मिलना बहुत जरूरी है। ठीक है, कल लव नेस्ट में। कल नहीं नीलू, मैं अभी मिलना चाहता हूँ। प्रिंस, लेकिन हम अभी कैसे आ सकते हैं? तुम नहीं आ सकती तो मैं आता हूँ। आई कांट वेट, इट्स वेरी अर्जेंट। बात क्या है प्रिंस? फोन पे नहीं बता सकता हूँ, तुम अपने कमरे की खिड़की खुली रखना, मैं अभी आ रहा हूँ। ओके प्रिंस। बात क्या है, कुछ बोलते क्यों नहीं हो? अगर कोई बात नहीं करनी थी तो हमें बुलाया क्यों? हम इस तरह से कभी घर से नहीं निकले हैं। अगर किसी ने देख लिया तो हम क्या जवाब देंगे? रिंची, क्या हो रहा है? आखिर हम जा कहां रहे हैं? ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं बोलना है तो हम भी बात नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रिंस, प्रिंस क्या कर रहे हो? क्या पागल बने प्रिंस? क्या बात क्या है, कुछ बोलते क्यों नहीं हो? हम पहले बहुत परेशान हैं, एक इम्पोर्टेंट बात है जो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। आप कुछ नहीं जानते हो हमारे चाचा जान के बारे। बताने की कोई जरूरत नहीं नीलू, मैं सब जानता हूँ। क्या जानते हो? यही कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। उन्होंने लड़के को पसंद किया, तुम्हारी तस्वीर भी भेजी है उसे। लड़का पसंद किया, तस्वीर भेजी है, हम कुछ समझे? नीलू, वो लड़का मेरा दोस्त है, उसने खुद मुझे वो तस्वीर दिखाई। ये देखो, देखो ये तस्वीर। लेकिन ये तस्वीर तो हमने आपको भेजी थी हमारे पिछले लेटर के साथ। क्या? हमने आपको भेजी थी ये तस्वीर पिछले लेटर के साथ। राहुल, क्या हुआ? समझ गया, वो साले राहुल ने मुझे बेवकूफ बना दिया यार। तुम्हारी तस्वीर दिखाकर मुझे कहने लगा कि इस लड़की से मेरी शादी होने वाली है। I'm sorry नीलू। आपको तो कोई भी बेवकूफ बना सकता है। चलिए ये तो बताइए, आपके ये दोस्त लगते कैसे हैं? हो सकता है हम उन्हें पसंद कर लें। देखो मजाक मत करो नीलू, पिछले 8 घंटों में मुझ पर क्या बीती है मैं ही जानता हूँ। इतनी छोटी सी बात के लिए आपने हमें आधी रात को चोरों की तरह घर से निकाला। और मैं जो पूना से भागकर तुम्हारे पास आया वो कुछ नहीं? हाँ बताया, अगर ये बात सच होती तो मैं सुसाइड कर लेता नीलू। कैसी बात कर रहे हो प्रिंस, खुदा ना करे कभी ऐसा वक्त आए। नीलू, इसका एक ही रास्ता है, हम अभी मंदिर में जाकर शादी करके रखते हैं ताकि आगे कोई गलतफहमी ना हो। क्या हुआ? आपका भी जवाब नहीं प्रिंस, हमारा बर्थडे मनाया चर्च में और शादी मंदिर में करना चाहते हो? व्हाट आर यू अप टू? देखो भाई, शादी होगी प्रॉपर ट्रेडिशनल मैरिज, जी हाँ बाकायदा निकाह होगा। काजी साहब के सामने हम कहेंगे कुबूल है, कुबूल है, कुबूल है। यार शादी में कुछ तो हंगामा होना चाहिए, है ना? You mean? Don't tell me. You mean? तुम मुस्लिम हो? Of course. क्या हो गया तुम्हें प्रिंस? But how? I always believe कि तुम हिंदू हो। मजाक मत करो प्रिंस। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं नीलू, आई स्वेयर आई थॉट कि मैं हिंदू हूं नीलू। नीलू,
तुम कुछ भी कहो प्रिंस, बड़ा अजीब लगता है कि यू बोथ डिडंट नो कि यू बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन। आई मीन इट्स नॉट कन्विंसिंग, बड़ा फिल्मी लगता है। तुम्हारा मतलब क्या है, मैं झूठ बोल रहा हूं? क्या मैं जानबूझकर अपनी आइडेंटिटी छिपा रहा था? जरा सोचो यार, तुम और मैं, हम दोनों को साथ देकर कोई बोल सकता है कि ये हिंदू है और ये मुस्लिम? वो तो ठीक है। Why don't you trust me, इमरान? It hurts यार। ठीक है, तुम्हें ये फिल्मी लगा, मगर ये सच है, हमारे साथ ये हुआ है। हमें पता नहीं चला क्योंकि हमको जानने की जरूरत ही नहीं महसूस हुई। और फिर जब आप किसी से दोस्ती करते हैं तो सबसे पहले अपने बायोडेटा स्टोरी एक्सचेंज करते हैं। आप ये नहीं पूछते कि भाई आपका मजहब क्या है, मुझे आपसे दोस्ती करनी है। प्रिंस, तुम्हें पता नहीं, नीलू के भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन मैं दिन रात पागलों की तरह उसका पीछा कर रहा हूँ, क्यों नहीं मिलती है मुझसे? तो अब तुम क्या करना चाहते हो? क्या करना चाहता हूँ? आई डोंट गिव अ डैम व्हाट शी इज और व्हाट आई एम। अरे वो क्या है और मैं क्या हूँ, उससे क्या फर्क पड़ता है यार? मैं बस यही जानता हूँ कि आई लव हर। नीलू, नीलू मेरी बात सुनो। नीलू, अरे सुनो ना मेरी बात। नीलू, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। नीलू प्लीज उससे बात तो करो। मेरी जान है तू, है जाने जा। मेरी जान है तू, है जाने जा। जान बिना मैं कैसे जीऊं, तेरे मुझे बताओगी नहीं तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि क्या हुआ है? बताओ, बोलो। कुछ नहीं दादी माँ। अरे कुछ नहीं तो फिर ये लंबा मुंह करके क्यों बैठी है? उठ, हंसो। ये अच्छा नहीं दिखाई देता, हंसो। जा। खिड़की से। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो खिड़कियों का सहारा लेना ही पड़ता है। तुम यहां से चली जाओ, प्लीज। किसी ने देख लिया तो कयामत आ जाएगी। आने दो कयामत। सुना है कयामत के दिन सबके साथ इंसाफ होगा। मुझे भी इंसाफ चाहिए नीलिमा। कोई फायदा नहीं है प्रिंस, कोई फायदा नहीं है। अच्छा हुआ हमें असलियत अभी मालूम होगी, तो बाद में। क्या? तुम समझती हो मैंने तुम्हें धोखा दिया, झूठ बोला, जानबूझकर अपनी आइडेंटिटी छिपाई? प्लीज चुप हो जाओ, हमें कुछ समझ में नहीं आता, कुछ नहीं। तो फिर किस पाप की सजा मिल रही है मुझे? क्यों नहीं मिलती हो मुझसे? हम नहीं मिल सकते प्रिंस, हमारे नसीब में मिलना नहीं लिखा है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैं एक हिंदू हूँ और तुम एक मुसलमान? नीलू, प्यार का कोई धर्म कोई मजहब नहीं होता, प्यार ईश्वर का खुदा का ही एक रूप है। नीलू,
नीलू बेटा सो गई क्या? नहीं दादी माँ। एक एस्प्रिन देना तो, सर बहुत भारी हो रहा है। जी, जी दादी माँ। जाओ दादी माँ, जाओ जल्दी। मैं जाऊंगा नहीं, नीचे बैठा रहूंगा जब तक तुम मेरी बात का जवाब नहीं दोगी। खुदा के वास्ते जाओ प्रिंस, जाओ। जीती रहो बेटी, जा सो जाओ। आज ही फैसला हो जाएगा। मैं कह दूंगा ना, मैं सारी दुनिया से कह दूंगा कि मैं तुमसे प्यार करता। झूठे हो तो, अगर तुम हमसे प्यार करते तो इस तरह हमें बदनाम करने नहीं आते। अगर किसी ने हमें देख लिया तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। प्रिंस तुम समझते नहीं हो। अगर तुम्हें लगता है कि मेरी वजह से तुम बदनाम हो जाओगे तो मैं चला जाता हूँ यहाँ से, हमेशा के लिए खत्म कर देता हूँ अपने आप को। तुम हमारे घर वालों को नहीं जानते हो, वो हमारा रिश्ता कभी कबूल नहीं करेंगे। जान से बाहर डालेंगे हम लोगों को, जान से बाहर डालेंगे। जान ही लेंगे ना, अलग नहीं कर पाएंगे ना नीलू। प्रिंस, प्रिंस, I love you, प्रिंस, I love you। बताओ कौन था वो, बताओ कौन था वो? जवान, जवान बच्ची से इस तरह बात नहीं की जाती। जवानी खानदान को तबाह करने का लाइसेंस नहीं हुआ करती अम्मी, जिंदा दफना देंगे इसे। देखो मत, मार डालोगे बच्ची को, मारो। इसके सिवा तुम्हारी जिंदगी में हाथ से नहीं क्या अम्मी? भाई साहब, जो कुछ पूछना है अंदर चल के पूछे, ये कोई जगह है बात करने की? चले अम्मी, चलो नहीं जावेद, अगर भला चाहते हो तो इस लड़की की जल्द से जल्द शादी कर दो। जी भाई साहब, जैसा आप ठीक समझे। नीलू बख्शी खानदान की एकलौती बच्ची है, हमारी इज्जत है और हम अपनी इज्जत आपके हवाले कर रहे हैं। जब्बार भाई, ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं, नीलू अब हमारी बेटी है और आपकी इज्जत हमारी इज्जत है। और आप साहबजादे, अगर आपकी कोई तमन्ना हो तो अभी से बोल दीजिए, बाद में हमारी बेटी को परेशान ना करना। आप क्या बात कर रहे हैं अंकल, खुदा का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है। फिर भी बेटा, अगर कोई चीज पसंद हो तो बता दो। जहेज तो हमको देना ही है। अरे इस तरह शर्माओगे तो नुकसान में रहोगे। नहीं नहीं अम्मा जी, हमें सिर्फ आपकी दुआ चाहिए। वैसे भी आजकल के लड़के लड़कियां सेल्फ डिपेंडेंस पे कुछ ज्यादा ही यकीन करते हैं। जमाना बदल गया है ना। हाँ, जमाने तो बदलते ही रहते हैं अब्बास भाई, मगर कुछ रस्मों रिवाज, कायदे कानून ना आज तक बदले हैं ना कभी बदलेंगे। एक्सक्यूज मी, कौन है ये लोग? आइए, किसे मिलना चाहते हैं आप? कि हम जी नीलू के फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स? किसके फ्रेंड्स? क्या चाहिए आप लोगों को? अच्छा अच्छा, लेकिन बेटे वो इस वक्त नहीं मिल सकती। जी हम नीलू के पिताजी से मिलने आए हैं। मैं ही हूँ नीलू का पिता, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। क्या नाम है आपका?
जी समीर शाह जी, मेरा नाम इमरान मलिक है। बात दरअसल जी, बात यह है कि आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। हाँ कहिए। यही? हाँ जी, बात यह है कि नीलू और मैं एक दूसरे को काफी दिनों से जानते हैं और हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। क्या बकवास कर रहे हो? कौन है तुम? मैं सच कह रहा हूँ अंकल, हम एक दूसरे को बहुत चाहते हैं और शादी करना चाहते हैं। किस मनहूस के औलाद हो तुम? तुम्हारा नीलू का नाम अपने जुबान पर लिया तो जुबान खींच लूंगा। सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप एक बार नीलू से पूछ तो लीजिए। निकल जाओ मेरे घर से। मैं भी शरीफ घर का लड़का हूँ सर, डॉक्टरी पढ़ता हूँ। आप शायद मेरे पिताजी को जानते भी होंगे, रोशनलाल शाह। रोशनलाल? या खुदा, ये कैसा कहर नाजिल कर दिया मेरे खानदान पे। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, जान से मार डालूंगा, जान से मार डालूंगा। अरे भाई साहब, तुम हरामजादे एक मुसलमान होकर इस नालायक की मदद कर रहे हो तुम? भाई साहब मेरी बात सुनने जा रहे हो क्या? पड़ जाओ नसीम, जान से मार डालूंगा इसे मैं। भाई साहब रहने दीजिए, भाई साहब रहने दीजिए। कहा था मुझे नीलू, नीलू बोलो, मैं जो कह रहा हूं वो सच है, बोलो। भाई साहब, अरे अब्बास भाई रुकिए, अब्बास भाई कहाँ जा रहे हैं आप? भाई आप ही इनकी बातों में आ गए, इस तरह आप हमारे घर से नहीं जा सकते। अब्बास भाई, आप जब्बार भाई, अगर उसकी जगह पर तुम भी होते ना, तुम्हारा भी यही हाल होता यार। मगर इमरान, जब उसने देखा कि बात बिगड़ गई तो कम से कम इतना तो बोल सकती थी कि मैं जो कह रहा हूँ वो सच है, हम एक दूसरे को प्यार करते हैं। जिंदगी के ऐसे नाजुक मोड़ पे आप चुप कैसे रह सकते हैं यार? अब बहस करके कोई फायदा नहीं है, हमने वहां पे जाके बात बिगाड़ दी। प्रिंस, हे भगवान, ये क्या कर लिया तूने? ये सब कैसे हुआ बेटा? कुछ नहीं हुआ माँ, नथिंग सीरियस। हेलो, मैं जावेद साहब से बात कर सकता हूँ? आप कौन बोल रहे हैं? मैं रोशनलाल बोल रहा हूँ। हमारे घर में इस तरह फोन करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रोशनलाल? भाई साहब मैं बात करता हूँ। पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया जब्बार साहब। तो फिर हम क्या करते? उस हरामजादे की हिम्मत कैसे पड़ी ये हमारे घर में आकर हमारी बेटी से प्यार का दावा करे, बख्शी खानदान के साथ बेहुदा मजाक करे। जबान संभाल कर बात कीजिए जब्बार साहब। रोशनलाल, गाली देना मुझे भी आता है। जिस बेरहमी से आपने मेरे बेटे को मारा है उसकी सजा मैं आपको। अरे शुक्र करो कि वो अभी तक जिंदा है, वरना उसकी लाश मिलती तुम्हें। भाई साहब क्या कर रहे हैं आप? रोशनलाल बहुत शरीफ आदमी है। खाक शरीफ आदमी है, जिसका बेटा इतना कभी ना हो उसका बाप क्या हो सकता है? जब्बार भाई, जब्बार भाई, जावेद भाई आप बात कर रही है। अरे बाप बेटे दोनों को जान से मार डालूंगा। बात करें तो मुझे खुदा के वास्ते भाई साहब, फोन दीजिए। क्या ही बैठ जाइए। हेलो, हाँ रोशनलाल बोलो, हम जावेद बोल रहे हैं। आपके भाई को बात करने की तमीज नहीं? क्या वो इतना भी नहीं जानता कि एक मुसलमान लड़की एक हिंदू लड़के से शादी नहीं कर सकती? मैं भी आपकी दोस्ती का ख्याल कर गया जावेद साहब, वरना अब तक मैंने सारा शहर हिला दिया होता। आपके भाई साहब को फिर जेल की हवा खानी पड़ती। आपका बेटा हमारे घर आकर हमारी इज्जत नीलाम कर रहे और हम देखते रहते, ये तो शुक्र करो मैं वहाँ मौजूद था, वरना भाई साहब तो। भाई साहब क्या करते हैं आपके भाई साहब? मार देते मेरे बेटे को किस बात के लिए? क्या आपकी बेटी को उठा कर ले गया था वो? अरे बकरा तू, अरे अरे मेरी बेटी को उठाने की बात अलग है। आज के बाद अगर तेरा बेटा मेरे घर के सामने भी दिखाई दिया ना, उसे इस दुनिया से हमेशा के लिए उठा देगा साले। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी हस्ती को मिटा दूंगा। अरे तू क्या हस्ती मिटाएगा मेरी? मैं तेरी जिंदगी मिटा दूंगा भाई साहब, खा दूंगा सारे इस दुनिया से। जावेद ले जाओ इसे, खाक में मिला दूंगा तुझे और तेरे खानदान को। मिलना मुझसे, आगे लाकर मिलना मुझसे। जब्बार बख्शी, कितनी बार बता चुका हूँ डैड, मैं नहीं जानता था कि वो मुस्लिम है, और जब मालूम हुआ इट वॉज टू लेट। हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं डैड,
बहुत आगे बढ़ चुके। अब हम अलग अलग नहीं रह सकते, ये जानते हुए कि ये रिश्ता मुमकिन नहीं। क्यों नहीं मुमकिन? क्यों नहीं? लेकिन नहीं डैड, सबसे पहले हम दो इंसान हैं जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, घर बसाना चाहते हैं, उसके बाद ये हिंदू और मुसलमान। और फिर प्यार के जज्बों का मजहब से क्या वास्ता है? क्या वास्ता है? तुमने अपनी बात कह दी है प्रिंस, अब मेरी बात सुन लो। जब तक मैं जिंदा हूं यह रिश्ता नहीं हो सकता। अगर तुम इस घर में रहना चाहते हो और अगर तुम्हें अपने मां बाप का जरा भी ख्याल है, तुम इस लड़की को भूल जाओ। लेकिन आप भी तो उसके साथ सख्ती से पेश आए। जवान बेटे से इस तरह बात की जाती है क्या? उसे समझाने के बजाय घर से बाहर निकालने की धमकी दी। तुम समझती हो प्रिंस को घर से बाहर निकालना चाहता हूं, उसे धमकी देना चाहता हूं अपने बेटे को? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था गीता। जवानी के जोश में प्रिंस कुछ समझना नहीं चाहता है, उसे रोकना बहुत जरूरी था। गीता, दूसरे धर्म में शादी करना आज भी इस मुल्क के लोगों के लिए नाजुक मसला है। इससे हिंदू और मुसलमानों के बीच तनाव पैदा हो सकता है, कम्युनल आग भड़क सकती है। एक ऐसी आग जिसे महात्मा गांधी और नेहरू नहीं बुझा पाए तो मुझ जैसा एक मामूली फायर फाइटर कैसे बुझाएगा? ज़बान संभाल के बात कीजिए अम्मी, हम शादी उसी से करेंगे और किसी से नहीं। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखा इस बेहया लड़की ने। जो तू चाहती है वो कभी नहीं हो सकता। तुम सब घर का काम का छोड़कर किस बहसबाजी में लगे हो यहाँ पर? कोई बहसबाजी नहीं हो रही, बच्ची को खाना खिला रहे हैं। ले बेटी खा ले। हम खाना नहीं खाएंगे दादी माँ। सुनो लड़की, उस लड़के का ख्याल अपने जहन से निकाल दो। कल के बाद तुम कहीं बाहर नहीं जाओगी और इसी महीने के अंदर अंदर तुम्हारी शादी भी तय होगी, ये ख्याल रहे। हम कभी शादी नहीं करेंगे, उससे पहले हम अपने आप को मार डालेंगे। शादी तो तुम्हारी होगी, चाहे तुम्हारी लाश की डोली यहाँ से निकले। अगर ऐसी बात है डैडी। बेटी क्या कर दिया तूने? क्या कर दिया? अरे आज तो उसने अपनी नस काट ली है, कल को कोई और हादसा पेश आए तो हम क्या करेंगे? देखते रहेंगे। यही तो मैं कह रहा हूँ भाई साहब, अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो इस बार भी जिम्मेदार आप ही होंगे। हाँ हाँ, इस घर में सिर्फ तुम ही एक समझदार इंसान बचे हो। बात बात पर बहस करने की आदत पड़ चुकी है तुम्हें। अरे चार किताबें क्या पढ़ ली इसने? अपने आप को अरस्तु समझने लगा है ये। अरे बंद करो ये बहस। अगर तुम लोगों ने दोबारा लड़की पर हाथ उठाया तो मैं हाथ पैर तोड़कर रख दूंगी तुम सबके। आज तक मैंने चुपचाप सबीना की मौत का जहर पिया है, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अगर नीलू को कुछ हो गया तो मैं इस घर को आग लगा दूंगी। अम्मी, अम्मी वक्त की नजाकत को नहीं समझती भाई साहब। समझती है भाईजान, खूब समझती है, मगर वो माँ भी तो है ना। इन दोनों को तो भोपाल भेजना ही अच्छा था, अब तो इस घर से कोई रिश्ता भी नहीं करेगा। जावेद, मेरी नजर में एक लड़का है, तुम शादी की तैयारी करो। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। ये शादी कतई जायज नहीं है। बहस मत करो मुझसे नसीम, तुम ना समझो, तुम्हें कुछ नहीं मालूम है। चाचा मामू और फूफी के औलादों में शादी जायज है। हाँ हाँ जायज है, मगर मैं नीलू से शादी नहीं करना चाहता। मैंने कभी नीलू को उस नजर से नहीं देखा, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि वो मेरी बीवी होगी। बंद करो अपनी जुबान, बेवकूफ, हमारे बेटे होकर हमसे जुबान चलाते हो। इस नामाकुल के बहकावे में आ गए तुम, जिसे न समाज की परवाह है न घर की इज्जत का ख्याल। मैं किसी के बहकावे में नहीं आया हूँ बुजान, ये मेरा फैसला है, मैं ये शादी नहीं करूंगा। तो फिर हमारा फैसला भी सुन लो, तुम ये शादी करोगे, इस घर की इज्जत आबरू को बचाने का सिर्फ यही एक तरीका है, और अगर तुमने इनकार किया तो हम तुम्हारे टुकड़े कर डालेंगे। सब कोई भी बात अगर जोर जबरदस्ती से बनवाई जाए, चाहे वो मजहब के बारे में हो, अपने अकीदे अपने ईमान के बारे में हो, या फिर अपने उसूलों के बारे में हो,
उसका असर ज्यादा देर नहीं रहता और नतीजा तबाही होता है। मेरे ख्याल से आप अच्छी तरह से जानते हैं। तुम पागल हो गए हो क्या? ये जानते हुए कि उस लड़की का एक हिंदू लड़के के साथ चक्कर है, तुम उससे निकाह करना चाहते हो? अपने खानदान की इज्जत, जात बिरादरी का तुम्हें कोई ख्याल नहीं? अब आप किस जमाने की बातें कर रहे हैं? ये चक्कर अफेयर्स आजकल कॉमन बातें हैं, ये तो बस टाइम पास होता है। तुम क्या कहना चाहते हो? इस शादी से मेरा फ्यूचर बिल्कुल सेफ हो जाएगा। वो कैसे? मैंने जो दुबई में लेदर का बिजनेस शुरू किया है, इसमें बख्शीश काफी हेल्प कर सकते हैं। इन लोगों के यहाँ कई लेदर फैक्ट्रीज हैं। बैठी रहो अनीता, हम बात को समझाने में नहीं मनवाने में यकीन रखते हैं। तुम हमें बहुत अजीज हो बेटी, हम तुम्हें बेहद प्यार करते हैं। लो खाना खा लो, खाओ बेटा खाओ। शाबाश, गैर मजहब में हमारे लिए शादी करना जायज नहीं है बेटी। इसे हमारे खानदान की, हमारे ईमान की बदनामी होगी। यह हमारे उसूलों के बिल्कुल खिलाफ है बेटी। हम आज भी वही करेंगे जो हमने 12 साल पहले किया था। इसलिए भलाई इसी में है कि अपने जहन से उस लड़के का ख्याल हमेशा के लिए निकाल दो। प्रिंस, ऑल सेट? मैं जा रहा हूं। बेटे, हम चाहेंगे कि तुम पढ़ाई में मन लगाओ। तुम खुद ही जानते हो कि मेडिकल की सीट आसानी से नहीं मिलती, और जिंदगी में ऐसे कई मोड़ आएंगे जहां तुम्हें दिल से नहीं दिमाग से डिसीजन लेना जरूरी पड़ेगा। आपका फोन लाओ। थैंक यू पीटर। हेलो। हेलो प्रिंस, मैं अनीता बोल रही हूँ। हाँ बोलो। कल नीलू के घर में एक हादसा हुआ, गुस्से में आकर नीलू ने अपनी नस काट ली। क्या? मगर घबराने की कोई बात नहीं है, डॉक्टर को बुलाया गया था, अब सब कुछ ठीक है। मैंने सोचा तुम बुला जा रहे हो तो तुम्हें इन्फॉर्म कर दूं। थैंक यू। ऑटो बस स्टॉप पे मेरा वेट करना, मैं अभी आया। अब कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहा है नीलू? क्या पागलपन है ये? हाँ क्या है ये? अरे अरे, तू यहाँ कैसे आ गया? अरे जाओ तारा, जाओ तारा। या अल्लाह, मेरी बच्ची पर रहम कर। दोबारा ऐसी हरकत की तो वो झापड़ दूंगा कि होश ठिकाने आ जाएगा। नीलू, तू मुझे इस तरह से धोखा नहीं दे सकती। हमने वादा किया है जिएंगे एक साथ, मरेंगे एक साथ। अगली तुम्हारे बगैर मैं जीकर क्या करूंगा? मैं तो कहीं का नहीं रह जाऊंगा ना। हम जिएंगे नीलू, सच्चे प्यार की हमेशा जीत होती है। देखना, एक दिन सारी दुनिया हमारे प्यार के सामने घुटने टेक देगी। नीलू, आज इस स्वर की औरत मेरा। दादी माँ, आप भी इसे समझाइए कि मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। अम्मा, दरवाजा खोलो। प्लीज दादी माँ, समझाइए इसको कि अपने प्यार पे भरोसा रखे। खोलो दरवाजा। जा रहा हूँ बस। अरे आपका शुक्र। मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। दरवाजा खोलो अम्मा। मैं फिर आऊंगा सर, फिर आऊंगा। अरे कौन है आप लोग? अरे अंदर कहाँ जा रहे हैं आप लोग? रोशन लाल, इससे पहले कि बात और बिगड़ जाए और सारी दुनिया तुम्हारी तबाही का तमाशा देखे, मैं तुम्हें आगाह करने आया हूँ। आप कहना क्या चाहते हैं? तुम अच्छी तरह जानते हो कि हम कहना क्या चाहते हैं। अगर कोई शख्स हमारी इज्जत आबरू पर हमला करे तो हम उसे जान से मार डालेंगे। जब्बार बख्शी, ये धमकी किस लिए? इसलिए कि तुम्हारा बदइखलाक बेटा आज फिर हमारे घर में आया था। क्या? समझाओ उसे, रोको उसे।
अगर दोबारा उसने मेरी बेटी को वरगलाने की या गुमराह करने की कोशिश की तो कसम अल्लाह की मैं उसका वो हाल करूंगा कि जिंदगी भर तुम उसके नाम को रोते रहोगे। आज जब्बार बख्शी ने मेरे घर आके तुम्हें मारने की धमकी दी और मैं अपाहिज की तरह देखता रहा सिर्फ तुम्हारे लिए। इसलिए हमने तुम्हें जन्म दिया था कि तुम हमारे मुंह पर कालिक पोतो। चुप क्यों हो, बोलते क्यों नहीं हो? आखिर क्या मुसीबत आन पड़ी? कि मुसीबत आन पड़ी थी डैड, नीलू ने नस काटकर खुदकुशी करने की कोशिश की। क्या? हाँ, अब आप ही बोलिए उसे मिले बगैर मैं कैसे जा सकता था। जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। प्रिंस, अब भी वक्त है, इस बात को यहीं खत्म कर दो। अगर तुम दोनों ने जिद की तो तबाही मच सकती है। ये जिद नहीं है डैड। आई कांट हेल्प इट, आई एम सॉरी। आप चुप क्यों हैं? कुछ बोलिए भी, क्या कहा प्रिंस ने? गीता, मुझे लग रहा है कि हम अपने बेटे को खो चुके हैं। नहीं, उस साहब से आपका फोन है। हेलो। हेलो प्रिंस। हाँ नीता, बोलो। एक बहुत बुरी खबर है, फाइनली नीलू के घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी। 8 तारीख को शादी है। प्रिंस, नीलू एकदम पागल हो गई है। अनीता, नीलू से कहना घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ओके ओके, थैंक यू अनीता। अपना वक्त याद आ रहा होगा ना? तुम भी ऐसी ही लग रही थी। कितनी सुंदर लग रही है ना? शादी करना इतना आसान नहीं है, बर्तन मांजने पड़ेंगे। सब लोग आ गए। निकाह की कार्रवाई मुकम्मल कर लें। लड़की से इजाजत ले लेते हैं। जी आइए गवाह साहिबा। चुप हो जाइए सब लोग, जरा ध्यान से सुनिए, काजी साहब आ रहे हैं। आंटी जी, काजी साहब आ रहे हैं। बेटी नीलिमा, दुख्तरे जावेद बख्शी, क्या तुम इस बात की इजाजत देती हो कि मैं अपनी वकालत में तुम्हारा निकाह रशीद मर्चेंट वल्द अब्बास मर्चेंट के साथ बायवज 1,00,000 रुपया सिक्का रायजूल वक्त के कर दूं? बोल नीलू। हाँ बोलो और दस्तखत कर दो। जी नहीं। ना मुराद, ये क्या कह रही है तू? खुदा गारत करे, मुझे तो पहले ही पता था कोई ना कोई गोलियां जरूर खिलाएगी। बेटी, ये हमारी इज्जत का सवाल है, हाँ कर दे। बेटी नीलिमा, क्या तुम्हें ये निकाह मंजूर नहीं है? जी नहीं। मैं कह चुकी हूँ, मुझे ये निकाह मंजूर नहीं है। काजी साहब, वो बोल चुकी है कि उसे ये शादी मंजूर नहीं। अब आपका ये फर्ज बनता है कि आप ये पैगाम लेकर दूल्हे के पास जाइए। चलिए गवाह साहिबान। अरे कोई रोको, अरे वो नीलू को ले जा रहा है, कोई रोको। वो लड़का नीलू को उठा के ले गया। कहाँ रह गए थे तुम लोग? मैं तो घबरा गया था। चलो जल्दी करो। सुनो प्रिंस, सुनो, मैंने सब इंतजाम कर दिया है। पिंटो तुम्हें उदयपुर में छोड़ देगा, घबराने की कोई बात नहीं, वो मेरे मामा का घर है, मैंने उन्हें सब समझा दिया है। अब बस करो यार, ये बात करने का टाइम नहीं है। पिंटो मूव, मूव पिंटो, बाय पिंटो, टेक केयर, बाय। रुकिए 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 रुकिए।
अभी को ढूंढ रहा था। क्या हुआ? गजब हो गया। अरे हुआ क्या? जब्बार साहब रोशन लाल के घर चले गए। चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन। तोड़ो, तबाह कर दो इस घर को। रोशन, जब्बार पक्षी। रोशन, मजाक नहीं। नहीं, मैं आप लोगों की परेशानी समझ सकता हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप लोग कानून अपने हाथ में ले। अगर इस शहर में कोई भी गड़बड़ी हुई तो उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। खुदा गारत करे जन्म जली को, नास पीटी ने तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। ऐसी औलाद होने से तो मैं औलाद मर जाना अच्छा। अरे कम वक्त को जवानी इतनी भारी पड़ रही थी तो किसी और का हाथ पकड़ लेती। भागी भी तो किसके साथ? एक हिंदू के साथ। बख्शी खानदान के नाम को मिट्टी में मिला दिया इस नासमझ लड़की ने। मैं तो कहता हूँ कि ये सब मॉडर्न पढ़ाई लिखाई का ही नतीजा है। मुझे तो लगता है पुलिस इस मामले में कुछ ही नहीं कर सकती। लगता है हम सबको मिलकर ही कुछ करना पड़ेगा। ये हमारे मजहब पर हमला है, मुसलमानों की इज्जत खतरे में है। बकवास मत कीजिए, न इस्लाम खतरे में है और न मुसलमानों की इज्जत। बात इतनी बड़ी नहीं है जितना आप समझते हैं। एक लड़का और लड़की अपनी मर्जी से कहीं और चले जाएं, और इत्तेफाक से एक हिंदू और दूसरा मुसलमान, तो इसे धर्म मजहब को क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है नसीम, वो लड़का हिंदू है, हिंदू। अगर वो लड़की हिंदू होती और लड़का मुसलमान, तो क्या आप उसे बर्दाश्त करते? जल्दबाजी में हमें कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे बात और बिगड़ जाए। लड़की की जान को खतरा भी तो हो सकता है। हमने ये फैसला मिलकर किया था कि नहीं नीलू? हमने ये फैसला मिलकर किया था कि नहीं? तो फिर तुम रो क्यों रही हो? देखो नीलू, अगर तुम खुश नहीं हो तो अब भी वक्त है, हम वापस लौट सकते हैं। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। ये तो शुरुआत है नीलू, अगर तुम ऐसे हिम्मत हारोगी तो आगे हम क्या करेंगे? डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। I'm sorry. पिंटो, लेकिन प्रिंस ये तुम्हारे कपड़े कैसे पहन सकती हूँ? पहना तो पड़ेगा ना नीलू। देखो, जब तक मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े नहीं खरीदता तब तक किसी के साथ काम चलाना पड़ेगा। कम ऑन प्लीज। लेकिन प्रिंस, I feel, कितना अजीब लगेगा। इसमें अजीब फील करने की क्या जरूरत है? हाँ बताओ मुझे, ये देखो क्या बुरा है इसमें? ये देखो ये। ओके, तो ये पहनो इसके अंदर। कम ऑन, जल्दी जाओ, मुझे भी नहाना है। एक महीना पुराना न्यूज़पेपर। बहुत अच्छी लग रही हो। एक छोटी सी बात को सनसनीखेज हेडलाइन बनाकर आप अपना अखबार बेचना चाहते हैं? आप ये भी तो कह सकते थे कि लड़का लड़की भाग गए। क्या यह कहना जरूरी था कि एक हिंदू लड़के ने एक मुसलमान लड़की को अगवा किया? लेकिन आप लोगों को कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप मेरी बात सुनिए, हमारे भी कुछ अपने कायदे कानून हैं। जी नहीं, आप लोग हिंदू मुसलमान सेंटिमेंट एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। भाई साहब, आप यहां? भूषण, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, बैठो। भाई
तुमने तो सिर्फ कुल की मर्यादा तोड़कर एक छोटी जाति की लड़की से शादी करके हमारे मुंह पे कालिख पोती थी, लेकिन तुम्हारा लड़का ये क्या हंगामा खड़ा कर रहा है? क्या मतलब? मुसलमान इस घटना को पॉलिटिकल इश्यू बना रहे हैं क्योंकि उन्हें हमसे टक्कर लेने का अच्छा अवसर जो मिला है। ये कोई पॉलिटिकल इश्यू नहीं है भाई साहब, ये तो दो परिवारों की समस्या है। राजनीति नहीं समझते? राजनीति नहीं समझते? अरे एक षड्यंत्र रचा जा रहा है हमारे खिलाफ, लेकिन वो लोग जानते नहीं कि हर हिंदू अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए तैयार है। एक काम करो, अपने बेटे को और वो जो लड़की ना जिसे वो भगा के लाया है हमारे हवाले कर दो, ताकि हम उनकी रक्षा करेंगे और उनके आत्मशुद्धि की व्यवस्था भी करेंगे। आप मेरे बेटे को अपना राजनीतिक मोहरा बनाकर अपनी लीडरी चमकाने आए हैं, मेरे बेटे की जिंदगी में जहर घोलने आए हैं? ये मेरा निजी मामला है, मैं इसे खुद निपट लूंगा। ये तुम्हारा निजी मामला हो ही नहीं सकता। अगर हर आदमी हिंदू धर्म और समाज को अपनी निजी संपत्ति समझने लगे तो हम गर्व से सर उठाकर अपने आप को हिंदू कह ही नहीं पाएंगे। अपने धर्म समाज की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए आज का हिंदू कुछ भी करने के लिए तैयार है, और इसमें तुम्हें हमारा साथ देना होगा। मुझे आपके धर्म और समाज के प्रतिष्ठा से कोई वास्ता नहीं, मुझे मेरे बेटे की चिंता है बस। इससे पहले कि बात और बिगड़ जाए आप इस घर से निकल जाइए, निकल जाइए, और फिर अपने आदर्शों के माचिस से जला डाले सारे शहर को। हमें प्रेशर बनाए रखना है, चारों तरफ ये खबर फैला दो कि मुसलमान इस हरकत से खौफजदा हैं, उनके जज्बात को ठेस पहुंची है और वो अब अपने आप को इस मुल्क में महफूज नहीं समझ रहे। नसीम मियां, सवाल एक लड़के या एक लड़की का नहीं है। अगर हम लोग चुप बैठे रहे तो फिर कल किसी और घर से कोई लड़की निकल जाएगी, हम तो कहीं के नहीं रहेंगे, सारा निजाम तबाह हो जाएगा। नसीम मियां, भूल रहे हैं हम इस मुल्क में एक अकलियत है, वी आर जस्ट अ माइनॉरिटी इन दिस कंट्री। मैं तो कहता हूँ कि जैसे ही लड़की हाथ लगे उसे ऐसी सजा देनी चाहिए कि अगले 100 साल तक लोग सुनकर कांप उठें। एक बार वो नापाक लड़की मेरे हाथ लग जाए तो मैं उसे जिंदा दफना दूंगा। अरे कमबख्तो, अगर तुम लोगों को अपनी कौम और अपने मजहब की इतनी परवाह है तो सबसे पहले अपने अंदर छुपे हुए शैतान को दफन कर डालो। और आप मौलवी साहब, आपके साहबजादे ने लंदन जाकर एक गैर मजहब लड़की से शादी की, उस वक्त कहां था आपका जमीर? उस वक्त कहां रही थी आपकी जिम्मेदारियां? ला हौल वला कुव्वत, हम यहां किस मकसद से आए थे और क्या बातें होने लगी? चलिए, हमारे यहां कोई जरूरत नहीं। आप अपने होश आवाज खो बैठी हैं अम्मा, खामोश रहिए। बहुत सालों तक खामोश रही हूं मैं, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अरे ये लोग हमदर्दी नहीं जिता रहे, आग भड़का रहे हैं। हमारी लड़की ने ऐसी हरकत की है जिसकी इजाजत ना हम ना हमारा मजहब देता है, और हम भूल गए कि जिस दिन वो ये घर छोड़कर गई मर गई हमारे लिए। जो हमारे लिए मर गया उसको मारने का मंसूबे क्यों बना रहे हैं आप? क्या मांगा तुमने भाई? ये मांगने वाली बात तो आप ही जाने, लेकिन मैंने बस आपकी मांग पे सिफारिश लगा दी है कि जो कुछ आपने मांगा है वो आपको जल्दी से मिल जाए। वैसे जरा हम भी जाने आपने क्या मांगा। मांगने वाली चीज का नाम नहीं बताते। अरे हा? वो क्या हो रहा है वहां पे? शायद बन जा रहे हैं, मिलोगे उनसे? हा? चलो। हो गोरी आजा मेरे दिल में समा जा, दीवाना तेरा हूं मैं पागल बना जा। तेरी हर अदा है
से नाता जोड़ लिया है। और ना समझ हो सकती है, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। पता नहीं कहां भटक रही होगी मेरी बच्ची। प्रिंस, हाँ, हमारा बिस्तर कहां है? ये क्या है? ये तो फिर तुम कहां सोओगे? तुम इस तरफ, मैं इस तरफ। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों? प्रिंस, हमारी शादी कहाँ हुई है? तो अभी कर लेते हैं गंधर्व विवाह। क्यों, मैं अभी फूलों की दो मालाएं लाता हूँ। मजाक मत करो प्रिंस, तुम यहाँ हमारे साथ नहीं सो सकते। मैं साथ कहाँ सो रहा हूँ जान, मेरा तकिया तुम्हारे से पूरे 4 इंच दूर है। चालाकी मत करो प्रिंस, तुम्हें बाहर सोना पड़ेगा। प्रिंस, लाइट ऑफ मत करना। ठीक है प्रिंस। कुछ बात करो ना। क्या बात करूं? कुछ भी बोलो। हिंदुस्तान की आबादी कुछ ज्यादा है ना। ये भी कोई बात हुई प्रिंस? क्या बोलो भाई, कोई और बात करो। बोलो 100। 100? 99? 99? 98? ये क्या हो रहा है प्रिंस? अरे भाई, उल्टी गिनती गिनने से नींद जल्दी आ जाती है। बोलो 97। 97? 96? 96? 95? 95? प्रिंस,
बोलो ना, ये तो सो गया। चाहिए नहीं तो फसाद शुरू हो जाएगा। फसाद तो शुरू हो चुका है नसीम मियां, शुरू हो चुका है। ये तो चलो कम बोल, सारे हिंदू है क्या मुसलमान? चल बोल जल्दी, अबे जल्दी बोल, हिंदू है क्या मुसलमान? बोल, ये नहीं बोलेगा अपने तो उसके। इस्लाम की बुनियादें मेरे और आप जैसे मामूली इंसानों के जज्बातों पर नहीं टिकी हुई है। जिस मजहब की बुनियाद कुरान पाक जैसी मुकद्दस किताब हो, उसे कोई नहीं ला सकता। हमारा मजहब कोई कागज का बना हुआ नहीं है कि एक लड़की की मामूली सी हरकत उसे तोड़ दे। आप सबसे मेरी हाथ जोड़कर दरखास्त है, इसे हिंदू मुसलमान का सवाल मत बनाइए। ये बात जितनी है उतनी ही रहने दीजिए, इसे और आगे बढ़ाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आग लगाने के लिए सिर्फ एक माचिस की तीली बहुत होती है, मगर उसे बुझाने के लिए शहर का सारा पानी भी कम पड़ जाता है। मुसलमान लड़की हिंदू लड़के से शादी करेगी, इस बात का कोई महत्व नहीं है, न ही ये कोई गर्व की बात है, समझे आप? हमारा आक्रोश तो कुछ और ही है। मैं कहता हूँ इन लोगों ने समझ क्या रखा है इस देश को, जरा जरा सी बात पे जिहाद शुरू हो जाता है। ये लोग रहते तो यहाँ है लेकिन इनका संचालन कोई दूसरा ही देश कर रहा है, वहां से पैसा आता है, हथियार आते हैं, क्यों? इस देश को ध्वस्त करने के लिए, हमसे टकराने के लिए, हमसे जो इस देश में बहुमत में है। ये हमारी सहनशीलता का घोर अपमान है। हमने 50 वर्षों तक सहा, लेकिन आज का हिंदू मूर्छित नहीं है, अब वो होश में आ चुका है। हम इस आक्रमण का डट के मुकाबला करेंगे, इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमें डराया धमकाया जाता है कि हम इस मुल्क में नहीं रह सकते, क्यों? क्या ये मुल्क हमारा नहीं है? भाइयों, ये एक साजिश है हमें कमजोर बनाने की, और इस साजिश का हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। नीलू, ये लैला मजनू, शिरी फराद, रोमियो जूलियट थे ना, बिल्कुल अनाड़ी थे। वो कैसे? देखो, उन्होंने मोहब्बत तो की, लेकिन मोहब्बत का मजा लेने के लिए जिंदा नहीं रह सके। हमारे जैसे होशियार नहीं थे ना वो लोग। जरा सोचो नीलू, जरा सोचो, इस दुनिया से दूर, दुनिया वालों से दूर, इस फूलों भरी धरती के ऊपर, इस रंग बिरंगे आकाश के नीचे एक छोटा सा घर हो जिसमें प्यार की दीवारें हो, भरोसे की छत हो, सपनों की खिड़की दरवाजे हो, और उसके अंदर दो धड़कते हुए दिल और मोहब्बत, ओ
बहुत सारी मोहब्बत। मजा आएगा, जिंदगी स्वर्ग बन जाए यार। स्वर्ग में खाने को क्या मिलता है? तेरी की, तुमने मेरे सारे रोमांटिक सपनों की ऐसी कैसी कर दी। इसलिए कि सपनों को भूख नहीं लगती, सपने देखने वालों को लगती है। हमें बहुत भूख लगी है, चलो ना कुछ खाने का इंतजाम करते हैं। चलो प्लीज। टिक टिक वन, टिक टिक टू, टिक टिक थ्री, टिक टिक फोर, टिक टिक फाइव, टिक टिक सिक्स, टिक टिक सेवन। चौधरी का चांद, चौधरी का चांद, द द द, दिल तो पागल है। टिक टिक वन, टिक टिक टू, टिक टिक थ्री, टिक टिक फोर, टिक टिक फाइव। गीत गाया पत्थरों ने। नो नो नो। टिक टिक वन, टिक टिक टू, टिक टिक थ्री, टिक टिक फोर, टिक टिक फाइव, टिक टिक सिक्स, टिक टिक सेवन, टिक टिक एट, टिक टिक नाइन। नौकर बीवी का, नौकर बीवी का। Tick tick one, tick tick two, tick tick three, tick tick four, tick tick five, tick tick six, tick tick seven, tick tick eight, tick tick nine, tick tick. I won the game, I won the game. Donkey, donkey, man, cheat game, man, cheat game. मैं आप जीत गई। ये क्या है? पता नहीं सिगरेट पीने की बुरी लत कहाँ से लग गई आपको? नीलू, मुझे एक और बहुत बुरी लत लग गई है। कौन सी? तुमसे प्यार करने की। ये लत बुरी नहीं है। अच्छा? प्यार करना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। क्या कर रहे हो? अपनी सेहत अच्छी कर रहा हूं। हालात बिल्कुल बिगड़ चुके हैं, यहां तक कि हिंदू मुस्लिम के बीच में दंगे फसाद शुरू हो चुके हैं, कई लोगों की जाने जा चुकी है। प्रिंस, तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो? प्रिंस, सब खैरियत तो है ना? सब खैरियत नहीं है नीलू। इमरान कह रहा था कि शहर में हमारी वजह से दंगे हो रहे हैं, हिंदू मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं हमारी वजह से। नीलू, हमने जो किया है उसकी सजा वो मासूम लोग क्यों भुगते, जिनका कोई कसूर नहीं, जिनका हमारी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं, जो लोग हमें जानते तक नहीं। मुझे गलत मत समझना नीलू, लेकिन मुझसे यह बर्दाश्त नहीं होगा। हमें वापस लौट जाना चाहिए, खुद को उन लोगों के हवाले कर देना चाहिए, और वो जो सजा दे कबूल कर देना चाहिए। मगर हमें वापस लौटकर भी कुछ हासिल नहीं होगा प्रिंस, हमारे जल जाने से यहां कुछ तो नहीं सकती। तो फिर हम क्या करें? हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे अपनी मोहब्बत के सामने शर्मिंदा हो जाए। मगर वादा करो प्रिंस, तुम पीछे नहीं हटोगे, तुम उन पागलों के सामने अपना सर नहीं झुकाओगे जो अपने अंधे यकीन और गंदी सियासत पर हम जैसों की भेंट चढ़ाते आए हैं और चढ़ाते रहेंगे। वादा करो प्रिंस, वादा करो प्रिंस, वादा करो, वादा करो।
तुम्हारा सोचना बिल्कुल गलत है मंसूर। दुनिया का कोई भी मजहब यह नहीं कहता है कि दूसरे मजहब के लोगों से नफरत करो। और जहां तक इस्लाम का सवाल है, इस्लाम तो एक सेकुलर मजहब है। यह हमारी बदकिस्मती है कि कुछ लोग हमारे मजहब की गलत तर्जुमानी कर रहे हैं और सारी कौम बदनाम हो रही है। तो फिर आए दिन मजहबी झगड़े क्यों होते रहते हैं? मजहबी झगड़े नहीं हो रहे हैं, मामूली सी मामूली बात को मजहबी झगड़े की शक्ल दी जाती है। जो लोग इस मुल्क की सियासत चलाते हैं या हमारे समाज के ठेकेदार हैं, वो लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोगों को मजहब के नाम पर भड़काते हैं, क्योंकि वो लोग अच्छी तरह जानते हैं कि मजहब का नाम आते यहां के लोग सोचना बंद कर देते हैं। नतीजा ये है कि अभी तक इस मुल्क में हिंदू मुसलमान एक दूसरे पर शक करते हैं, करीब आने के बजाय एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। पिछले 50 साल से इस मुल्क में यही हो रहा है। पिछले दिनों हुए हिंदू मुस्लिम दंगों में अब तक मरने वालों की तादाद 25 तक पहुंच गई। आज सुबह शांतिनगर और लाल चौक में पुलिस को 10 लाशें मिली जिनकी अभी तक शिनाख्त नहीं हुई। शहर के अंदरूनी हिस्सों में दफा 144 लागू किया गया और पुलिस सेंसिटिव इलाकों में लगातार गश्त कर रही है। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक अब हालात काफी सुधर गए हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि गलत अफवाहों से गुमराह न हो और क्रिमिनल फोर्सेज को नाकाम करने के लिए पुलिस का साथ दें। नीलिमा बख्शी और सिंह रोशन का भी तो कोई पता नहीं चला। अरे क्या हो रहा है? क्या हुआ? मेरी समझ में नहीं आता नीलू, एक आदमी दूसरे आदमी को मारकर धर्म की हिफाजत कैसे कर सकता है? अरे कौन सा धर्म कहता है कि दूसरे मजहब के लोगों को मार दो? मैं हिंदू हूं, तुम मुसलमान हो, ये हमारी कोई पहचान नहीं है नीलू, अभिशाप है, कर्स है। अरे हमें चॉइस थोड़ी दी जाती है कि हम हिंदू बने या मुसलमान बने। सॉरी नीलू, ये मेरे घर का मामला और मैं खुद निपट लूंगा। आप इस मामले से दूर ही रहें तो मेहरबानी होगी। रोशनलाल जताना चाहता है कि वो सेक्युलर हिंदू है। ऐसे ही सेक्युलर हिंदुओं ने इस देश को रसातल में पहुंचा दिया। मुसलमान मजहब की आड़ में कुछ भी कर सकता है और एक हिंदू अगर हिंदू शब्द का प्रयोग भी करे तो वो कट्टरपंथी हो गया। मैं इस मामले को उछालूंगा। इस समय हमारी नजर हिंदू वोट बैंक पर है, इसलिए जहां तक हो सके इस घटना को राजनीतिक रंग देने की कोशिश करो। इस तरह का अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुनो, लड़के लड़की का पता करो और जैसे ही मौका मिले प्रिंस को मार डालो। मुझे सियासत मत समझिए रसूल भाई, यह बताइए कि मेरी बेटी को ढूंढने के लिए आप लोगों ने क्या किया? कुछ भी नहीं। स्वर का बच्चा ना जाने अब तक कहां पहुंच गया होगा। मुझे तो आप लोगों के मकसद में कुछ खोट नजर आ रहा है। अब जो कुछ करना है मैं खुद ही करूंगा, आपकी मदद की जरूरत नहीं है मुझे। लगता है जब्बार बख्शी टूट रहा है और इससे पहले कि मामला हमारे हाथों से निकल जाए हमें इस मौके का भरपूर फायदा उठाना चाहिए। पता करो कि वो लड़की कहां है और खत्म कर दो उसे। लड़की घर वापस नहीं पहुंचनी चाहिए। भाई पुलिस को खबर मिली है कि नीलू उदयपुर में है। अरे भाई साहब, आपने यहाँ से किसी लड़की को जाते हुए देखा? नहीं। क्या बात कर रहे हैं आप? एक ही तो रास्ता है, अंधे क्या? पागल कहीं का। नीलू, क्या हुआ? कहाँ गई थी तुम? आप ही ने तो कहा था आपको मंदिर जाना है, नारियल और फूल चाहिए। क्या हुआ? क्या हुआ? डैडी आ गए। नसीम चाचा, हम देखिए सर, तुम लोगों के पास सफाई देने का वक्त नहीं है। इससे पहले कि वो लोग यहां आ पहुंचे और तुम लोगों को जान से मार डाले, भाग जाओ यहां से। रुक जाओ, सुनो, भाई साहब की गाड़ी आ रही है। तुम लोग ऐसा करो, जितना जल्दी हो सके शहर से निकल जाओ।
जाओ, मैं तुम लोगों को फॉलो करूंगा, जाओ। हेलो सर, मैं राजू बोल रहा हूँ। बोलो। वो दोनों मिल गए हैं और इसी शहर में हैं। क्या करना है उनका? दोनों को खत्म कर दो, लेकिन ख्याल रहे काम बहुत होशियारी से होना चाहिए। ओके सर। जो लड़की बख्शी खानदान की इज्जत पर दाग लगा दे, उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं सर। ये प्यार नहीं, गुनाह है। गुनाह, एक ऐसा गुनाह जिसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। एक ऐसा गुनाह जिसकी सजा सिर्फ मौत है। मौत। शहर में जो कुछ भी हो रहा है इससे हमारा दूर तक वास्ता नहीं। इंस्पेक्टर साहब, यह हमारी दो फैमिलीज का आपसी मामला है। इसे बेवजह सिया से रंग दिया जा रहा है। हमें अपने बच्चों की फिक्र है, उनकी जान को खतरा भी तो हो सकता है। आप लोग हौसला रखिए, हम उन्हें बहुत जल्द आपके हवाले कर देंगे। मेरी सर्च पार्टी ने उन्हें इसी इलाके में देखा है। कैसी सजा? किस बात की सजा दे रहे हैं आप हमें? हमने कोई गुनाह नहीं किया है, प्यार किया है हमने। किस मजहब के किताब में लिखा हुआ कि प्यार करना गुनाह है? चुप क्यों है आप? हाँ चप्पा साहब, जब मोहब्बत की आंख देख कुछ दिया ना, तो वो मंदिर और मस्जिद की तरफ नहीं देखता, उन आंखों में सिर्फ देखता है जिन्हें वो प्यार करता है। हिंदू मुसलमान के मसले को लेकर जो नफरत आप लोगों ने अपने दिलों में पाली है, उसका जहर हमारी जिंदगी में क्यों घोल रहे हैं आप? अरे मजहब के नाम पे लाखों सर कट गए। हिंदुओं ने मुसलमानों को मारा, मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा, देश के टुकड़े हो गए, और क्या चाहते हैं आप? कब तक तलवार के जोर पे आप लोग मोहब्बत का गला घोटते रहेंगे? कब तक? कब तक? जब्बार साहब, आप लोगों को मोहब्बत की ताकत का अंदाजा नहीं। जहां जहां हम मोहब्बत करने वालों का खून गिरेगा, हजारों दीवाने पैदा होंगे, और एक दिन आपको मोहब्बत के सामने झुकना ही पड़ेगा। अगर तुम्हें अपने मोहब्बत की इतनी परवाह है तो मुसलमान क्यों नहीं बन जाते तुम? नहीं, नहीं बनना हमें हिंदू या मुसलमान, नहीं बनना। हमने तो सोचा था मजहब प्यार का दूसरा नाम है, खुदा के साथ होने का जरिया है। लेकिन जो शक्ल आप लोगों ने हमें मजहबों की दिखाई है, उन मजहबों से हमारा कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। हम सिर्फ इंसान है, मामूली इंसान, और मामूली इंसानों की तरह जीना चाहते हैं। क्यों नहीं जीने देते हो हमें? क्यों? लीजिए चाचा जान, बुझाइए अपनी प्यास, मार डालिए हमें। आज फिर प्यार आपके सामने कुर्बान होने के लिए खड़ा है। रुक
नसीम भाई साहब, नसीम हम किसे मारकाट, हम किसे मजहब का सहारा लेकर अपने मासूमों को मारना चाहते हैं भाई साहब। वो मजहब कहता है मोहब्बत से खुदा मिलता है भाई साहब, बदलते वक्त के साथ अपनी सोच को बदलना बहुत जरूरी है। नसीम चाचा, नसीम चाचा, आज सवेरे नीलिमा बख्शी और समीर रोशन को पुलिस ने उदयपुर में गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के बाद उन्हें फिलहाल अपने घर वालों के हवाले किया गया है। मौजूदा हालात को देखते हुए उन्हें घर से ना निकलने की सख्त हिदायत दी गई है। इस बीच शहर में लूटमार या आगजनी की कोई खबर नहीं है। पुलिस ने दंगा फसाद करवाने के जुर्म में कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस की इंफॉर्मेशन के मुताबिक शहर में अभी भी दंगे भड़कने का अंदेशा है, इसलिए सेंसिटिव इलाकों में अभी भी फौजी दस्ते तैनात हैं। नीलिमा बख्शी के चाचा जब्बार बख्शी को अपने छोटे भाई नसीम बख्शी को कत्ल करने के जुर्म में कैद कर लिया गया है। कल रात शहर के पुराना किला इलाके में कुछ लोगों ने नीलिमा बख्शी और समीर रोशन की गोली मारकर हत्या कर दी। शहर में तनाव बढ़ गया है, लेकिन हालात काबू में हैं। क्या दो निर्दोष मासूम इंसानों की जान लेकर हमने अपने धर्म, अपने मजहब की सेवा की है? नफरत और खून खराबा क्या हम आने वाली पीढ़ियों को विरासत में यही देंगे? कोई भी मजहब पाप नहीं सिखाता, ये तो लोग हैं जो मजहब के नाम पर पाप करते हैं। क्या आप भी उनमें से एक हैं? धर्म आदमी को खुदा से और आदमी को आदमी से जोड़ता है। सच्चा धर्म जिंदगी का सही रास्ता दिखाता है, मौत का नहीं। आइए हम एक ऐसा माहौल बनाएं जहां हमारे बच्चे हिंदू या मुसलमान या फिर किसी और धर्म के होने पर गर्व कर सकें और एक परिवार की तरह रहना सीखें।